अच्छा दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों ने अभी देखी है इसमें खासकर जो गाना भी साथ साथ में सुना है और जो पिक्चर है आप लोगों ने देखी है स्क्रीन के ऊपर उनसे आप लोग कितना सहमत है ये रियलिटी है यार एक टाइम पे था आप लोग देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बाहर खेलना पसंद किया करते थे तो उन्हें अंदर खींचा करते थे आज की डेट में देखो टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन है तो कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं पर लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि परिवार के साथ में मिलकर रहना इन्जॉय करना लाइफ को एक दूसरे के साथ में बात करते रहना सारी टेक्नोलॉजी के फील्ड में आज के डेट में घुस गए इवन आज के डेट में इंसान को इंसान की जरूरत ही नहीं है ये आप लोग बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा हमारे माइंड को घेर लिया हमको कंज्यूम कर लिया और इसी की वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं पहले यार दोस्तों में बैठे रहते थे लाइफ को एंजॉय करते थे आप लोग इससे कितना सहमत हैं ये या फिर नो में लिख के कमेंट बॉक्स में बताना तो देखता हूँ आप लोग ये कमेंट बढ़ूंगा कुछ राय होगी तो वो भी देना ठीक है हाउस द जोस हाउस द जोस दोस्तों तो जोश कैसा है पहले तो ये बताओ वो तो हाई होगा यहां पर आ गए हो तो हाई तो वैसे भी हो जाना चाहिए तो हाउस द जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए देखो अगर आप लोग अपने सारे काम टाइम पर करते हो ना आधा जोश तो वैसे आप लोगों का हाई हो जाता है अगर आप लोग काम टाइम पर नहीं करते हो तो वहां से फिर आप लोगों का जोश जो है वो लो होना स्टार्ट हो जाता है इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि मॉर्निंग का जो शेड्यूल है खासकर जो उठने का आप लोगों का वो कोशिश करो आप लोग एक बार फिक्स कर लो वो शेड्यूल अगर आप लोगों ने फिक्स कर लिया तो ये समझो आधे से ज्यादा जिंदगी जो है वो आप लोग की सवर जाएगी और नहीं यकीन आ रहा है तो आप लोग एक हफ्ता अपना फिक्स शेड्यूल पर उठ कर देखो और एक हफ्ता आप लोग उबड़ खुबड़ शेड्यूल पर उठ कर देखो और फिर दोनों को कंपेयर करना मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी ये सारी चीज़ें बताने की आप लोग खुद ही सारी चीज़ें समझ जाओगे और ये क्या होता है अपनी चीज़ों को टाइम पर करना इसको बोलते हैं डिसिप्लिन और ये जो डिसिप्लिन है ना यार ये मोटिवेशन से बहुत बड़ा है मोटिवेशन तो आप लोगों को बस किक देता है कि हाँ चलो स्टार्ट हो गए जैसे कि मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को मोटिवेट कर दिया तो आप लोगों का दिन ही स्टार्ट हो गया पर उसके बाद में जो पूरा दिन आप लोगों को जैसे यूटिलाइज करना है वो कहाँ से आएगा वो आएगा आप लोगों के डिसिप्लिन से तो डिसिप्लिन से बड़ा पापा कोई नहीं इस धरती पर आज के डेट में ठीक है आप लोग खुद देखो ये सारा काम करना जैसे कि यहाँ पर इनके द्वारा पूरा काम किया गया यहाँ पर ये एक तरीके से हर एक इंसान की बस की बात नहीं है अपने पूरे दिन के शेड्यूल को बनाना और उसको फिर फॉलो करना और फिर चेक करना कि क्या क्या कंप्लीट कर लिया और क्या क्या बचा हुआ है ये सारी चीज़ें जो आप लोग देखोगे ना अगर ये चीज़ें आप लोगों ने आदत बना ली जिंदगी में तो भाई साहब आप लोग को आप लोगों का को कोई भी गोल पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ चाहे हेल्थ की बात हो चाहे आप लोगों कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अपनी कोई जॉब लेनी है मतलब जो भी आप लोगों को जिंदगी में अचीव करना है वो सारा अचीव करोगे अगर आप लोग अपने द्वारा बनाई गई टू डू लिस्ट को कंप्लीट कर पाते हो ये इसके ऊपर मैं एक बार पढ़ रहा था थोड़ा सा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा ओनली तीन से चार लोग ही इस दुनिया में ऐसे हैं जो ये लिस्ट बनाकर कंप्लीट कर पाते हैं अपनी मैक्सिमम जो है वो फेल हो जाते हैं और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं मैक्सिमम बनाते ही नहीं है आप लोग खुद देख लो मैं कितने सारे बच्चों को बेसिकली डेली बोलता हूं वीडियो जो है डेली सत्तर अस्सी हज़ार एक लाख से ऊपर भी देख लेते हैं पर लेकिन कितने लिखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में टू डू लिस्ट खुद देख लो आप लोग तो लोगों को ये लगता है कि हाँ ठीक है चलो बोल दिया पर इन रियलिटी में क्या होता है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग पानी में जब तो उतरोगे नहीं ना आप लोगों को उसकी गहराई पता नहीं चलेगी और जिंदगी भी कुछ ऐसी है आप लोग ऊपर ऊपर से देखते रहोगे ना बस हाँ उड़ती रहेगी चल रही है सही अपने आप के मन को समझाते रहते हैं हाँ यार ठीक है बहुत दिन बचे हुए हैं आज और थोड़ा सा सो लेते हैं आज रहने देते हैं ना प्रैक्टिस आज कल तो कर ली थी ना ये इतनी घटिया घटिया चीज़ें आप लोगों का दिमाग आप लोगों को बताएगा ना अपने आप को कम्फर्ट जोन में रखने के लिए और डेली डेली आप लोगों को फिर बेजत करेगा हुआ नहीं ना तेरे से और आपको ही जलील करता रहेगा बार बार में तो ये दिमाग आप लोगों के साथ में खेलता है और हमेशा खेलता रहेगा कोई बाहर वाला आप लोगों का दुश्मन कभी हो ही नहीं सकता इनडायरेक्ट वे में आप लोग देखोगे ना आप लोगों का दिमाग ही आप लोगों की सबसे ज्यादा बेजती करता है सबसे ज्यादा डिमोरलाइज करता है चौबीस घंटे अपने दिमाग, दिमाग में कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं इंसान अच्छा ठीक है यार ये काम करना था अच्छा वो नहीं हुआ यार यार ऐसे कैसे हो गया यार यार उसने मेरा फोन भी नहीं उठाया यार उसको कब से मैसेज सेंड कर रखा उसने रिप्लाई नहीं किया ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में इतनी बुरी तरह चलती रहती है ना आप लोग एक अलग ही जोन में रहते हो उस जोन में से निकलने का सबसे सही तरीका है अपनी टू डू लिस्ट रखो और उसमें बिज़ी रखो अपने आप को अपने दिमाग को आप लोगों के ऊपर हावी होने का टाइम मत दो तुम आ देख दिमाग जो है ना वो आप लोगों के लिए या तो उसको घोड़ा बना लो या गधा बना लो मतलब अगर घोड़ा बनेगा तो वो एक तरीके से दौड़ेगा और गधा बनेगा तो वैसे ही पड़ा रहेगा और गधा कब बनेगा जब उसको पता ही नहीं होगा क्या करना है फिर अपने हिसाब से चलता रहेगा जहाँ मन करेगा वहाँ पर मुँह मारेगा जाके तो आप लोगों को उसको समझाना पड़ेगा और फिर देखो रिजल्ट कितना शानदार आप लोगों के लिए निकल के आता है तो ये बातें आप लोगों को लेकर चलनी पड़ेगी ध्यान से वरना जिंदगी में यार ये सारी चीजें चलती रहेंगी और आप लोगों को लगेगा यार हाँ ठीक तो चल रही है जिंदगी समझ में आ रहा है तो बहुत ही शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है और किस किसने डिसिप्लिन टेस्ट जो है वो भी देखो मैं बोलता हूं डिसिप्लिन टेस्ट करो कि किसने टू डू लिस्ट बना लिया है तो उसमें मैक्सिमम लोग लिखते ही नहीं है एक डेढ़ हजार लोग मैक्सिमम लिखते हैं यार उसमें खुद देख लिया करो और उन डेढ़ में से मुझे लगता है कि पांच सौ सौ के तो मुझे नाम याद हो गए क्योंकि वो रेगुलर करते हैं बाकी ये कुछ ऐसे हैं जो 500-600 वो उड़ते परिंदे हैं आज मन कर लिया कर देते हैं कल को नहीं करेंगे आप लोग झांको अपने अंदर किसके साथ में खेल रहे हो अपने साथ में खेल रहे हो यार अपनी ही ज़िंदगी के साथ में खेल रहे हो छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो और कह रहे हो यू पी की तैयारी करोगे आप लोग कह रहे हो ज़िंदगी में ये मुकाम अचीव करोगे ऐसे नहीं हुआ करता यार अपने आप को धोखा देते रहो ये साल भी चला गया आज तीन तारीख हो चुकी है देखते ही देखते ये बचे हुए जो अपने 25-26 दिन ये भी चले जाएंगे नया साल आएगा उसको एक दिन सेलिब्रेट करके फिर से वही ज़िंदगी जीने स्टार्ट कर देना रियलिटी यार मतलब रियली really, आप लोग ये जिंदगी चाह रहे हो इन रियलिटी में है सोचो तो सही एक मिनट के लिए थोड़ी देर रुक के अगर हाँ तो करो इंजॉय यार आपकी जिंदगी मैं क्या ही कर सकता हूँ पर अगर ना तो सुधार लो इसको न्यू ईयर की वेट मत रहो कि न्यू ईयर आएगा तो ये चीजें स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे और ये करेंगे अरे दुनिया के चले गए न्यू ईयर यार आपके चले गए अब तक इतने बीस तीस तो आपके भी चले गए कितना क्या कर लिया है तो देख लो इसको थोड़ा सा सुधारो यार डेली उस चीज को देखना सर डीमोटिवेट फील कर रहा हूं एक बार शेड्यूल बना के फॉलो कर लो कौन सा आप लोगों के ऊपर यार कोई कटाक्ष लिए बैठा है अपना शेड्यूलना अपना फॉलो करना है उसमें भी आप लोगों का रोना जो स्टार्ट हो जाता है ये मत करो यार इस चीज को थोड़ा सा डिसिप्लिन में करके तो देखो आप लोग अपने अगले दिन से आप लोगों को फायदा ना होना स्टार्ट हो जाए आपका मन आप लोगों को सपोर्ट ना करना स्टार्ट कर दे तो मुझे बता देना डेली पूछता हूं कितने घंटे बड़े उसमें भी आप लोगों को लिखने में हाथों में दर्द हो रहा है तो फिर कहां से डिसिप्लिन में आओगे कहां से आप लोग अपना टारगेट अचीव करोगे अपने अम्मा, अपने आंखों में धूल झोंक रहे हो मम्मी पापा की आंखों में धूल जोल रहे हो उनके पैसे और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो तो यही फ्लो में चलते रहना है तो इन्जॉय करते रहो फिर तो बोलने वाली बात ही नहीं है मतलब पांच चीज़ें मैं बोलता हूँ लिखने के लिए उसमें भी कि हाँ किस टाइम पर उठे जिस टाइम पर डिसाइड किया था उठे तो वो लिख दो इसी के साथ मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ठीक है कि आपने टू डू लिस्ट बना ली है वो लिख दो तो उसको भी नहीं लिखते हैं लोग ये इतनी इंपॉर्टेंट है आप लोग जिंदगी में ना कभी ना कभी इसकी जब इंपॉर्टेंस समझ जाओगे तभी लाइफ में आप लोग सक्सेस हो जाओगे इसी के साथ में मॉर्निंग में पानी पीने का मतलब ये होता है अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना आपकी बॉडी पूरे समय पड़ी रहती है पूरे रात उसको एक्टिवेट करना उसको सही डायरेक्शन देना उसी से आप लोग फ्रेश होने का प्रोसेजर स्टार्ट होता है वरना फिर चाय पियोगे और पता नहीं क्या क्या कि हाँ यार फ्रेश नहीं हो रहा है कबज हो रहा है पेट में पेट में कबज हो गया वहां से तीन बीमारी शरीर में लगती हैं समझ रहे हैं आप लोग तो ये चीजें करो यार थोड़ा सा और वीडियो अपना टाइम पर देखा करो फिर आप लोगों को मोटिवेशन रहेगा अच्छे से भी काम भी करोगे अच्छे से अपने दिन को शेड्यूल करके चल पाओगे और बाकी एक नंबर तो ले लिया करो फीडबैक दे दिया करो कैसी लग रही है वीडियो तो वो लाइक करने वाला भी देखो सत्तर हज़ार लोग देख रहे हैं वीडियो लाइक कर रहे हैं सात हज़ार लोग मतलब आधो को अरे ठीक है बोलता रहता है चला जाएगा सिलेक्शन ना इन सात हज़ार में से ही होना है ठीक है देख लेना नहीं यकीन आ रहा है तो ऐसे ही जाएंगे जो छोटी छोटी सी चीज़ें करने में ज़िंदगी में हो रही है और यही छोटी छोटी सी चीज़ें जहाँ ज़िंदगी बनाती है तो ये भी नहीं कर पा रहे हो यार क्या ही बोलूँ चलो आपकी ज़िंदगी है खेलो फिर मत बोलना कि यार ये क्या हो गया इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है भारत रत्न अवॉर्ड है बताओ इनका नाम क्या है देखता हूं कौन कौन बताता है आज का डे भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे बात की जा रही है द तो वर्ल्ड जो डे है ऑफ हैंडीकैप हैंडीकैप रियलिटी में इंसान बॉडी से नहीं होता है कभी भी हैंडीकैप ना इंसान दिमाग से होता है क्योंकि वो अपने ही आप को जो है आजाद नहीं कर पाता है अपने ही पिंजरे में घुसा रहता है तो ये रियलिटी है पर लेकिन यहां पर ये अवेयरनेस फैला रहे हैं और आप लोगों ने एक चीज देखी होगी जिस इंसान को हम लोग बोलते हैं दिखता नहीं है वो इंसान के सेंस ऐसे होंगे कि बिना दिखे भी वो इंसान सब चीज़ों को सेंस कर लेता है ठीक है जिसका हाथ नहीं होता ना उस वो किसी ना किसी तरीके से उसके देखना अपने पैरों से हाथ के काम कर रहा है उसके कोई ना कोई पोर्सन और इतना स्ट्रांग हो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते और उनको कहाँ से आप लोग यार हैंडी बोल रहे हो वो तो योद्धा हैं अपनी जिंदगी ऐसे शरीर के साथ में जी रहे हैं जो कंप्लीट नहीं है और आप लोग तो हैंडी कैप तो वो इंसान है जो कि पूरा शरीर होते हुए भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं इन रियलिटी तो हैंडीकैप वो है अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो तो ये डे यहां पर बेसिकली एक तरीके से ऐसे हैं कि हाँ उनको हम लोग बेचारे की नजरों से भी ना देखें उनको उनका हक मिलना चाहिए बेसिकली लोगों के हक मारना ना वो सबसे खतरनाक चीज़ है तो ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट उनको कई बार आप लोगों ने देखा होगा जॉब नहीं देते हैं ठीक है कई जगह एक तरीके से ढंग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है कई तो छोटा हो गया कि उसको बोना बोलेंगे कलर थोड़ा डल हो गया उसको काला बोलेंगे किसी का टैर पैर टूटा हुआ है तो कुछ पैर में कुछ दिक्कत है तो उसको अलग नाम से पुकारने लगते हैं तो ये गलत है घटिया एक तरीके से टेंडेंसी है एक सही परिवार का बच्चा कभी ऐसा नहीं करेगा ठीक है तो ये थीम भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बोली गई है कि इस तरीके से हम लोग साथ में लेकर चल सकते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बनाएँ दुनिया कि सबके लिए वो दुनिया रहे जैसे कि कहीं पर जाना है तो कम से कम गाड़ियाँ ऐसी बनाएं बसें वगैरह होती हैं एक्सेलेटर वगैरह लगाए जाए खासकर जैसे मेट्रो में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं अगर आप लोग देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं ठीक है तो ये है यहाँ पर बातें आई होप कि आप लोग इसको समझ गए इंपॉर्टेंट डे है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए एक और छोटी सी बात आज लग रहा है कि सारे डांट खाने के मतलब मूड में ही आए हो ये वीडियो बनाए पता है बन, बनाने में कितनी हिम्मत लगती है इस वीडियो में इस वीडियो में जो पूरा टाइम लगता है आप लोग खुद देखो कि टिपी बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी सारी चीज़ों को सेपरेट करना उनको सिस्टमेटिक वे में लेकर आना और अगर वीडियो जरा सा भी एक आध दिन लेट हो जाए तो ये कहते सर वीडियो नहीं आ रही वीडियो नहीं आ रही और जब आ जाती है तो फिर देख ही नहीं जा रही यार जो जो चीज़ें ना देखते नहीं उसको बोल दिया करो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कहीं और प्रोडक्टिव जगह लगा लूंगा उसको वैसे ही गिना चुना रहता है तो ये पूरी वीडियो देखो ना जाके अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है इसको पहले तो बोलते हो सर बता देना कब आएगी ये उसके बाद में पता नहीं पढ़ने पढ़ना वरना छोड़ दिया है वो चो, 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 चोर कर रहे हो क्या बता दो तो मैं भी वो कर लूंगा यार आप लोगों के साथ मिल के तो जो भी कर रहे हो इसको देख लो ये सारी जो मंथली वीडियो आती है इनमें आप लोगों का रिविजन जाता है एक झटके के अंदर में सारा ठीक है आज ही देखो दो तीन आर्टिकल हैं फ्रंट पेज पे एक तो बात बता दूं जैसे कि जी ट्वेंटी हमारे देश में इसकी प्रेजिडेंसी आ गई है भाई साहब डेली भर भरकर आर्टिकल आएंगे बिल्कुल इग्नोर मारने हैं ठीक है ठेके? एक बार टॉपिक को उठाओ तैयार कर लो एक दो बार तो बीच बीच में मैं भी आप लोगों कंप्लीट कराता रहूँगा उसको वैसे पहले भी कराया फिर भी कराता रहूँगा जैसे जैसे कुछ डेवलपमेंट होगा पर इन रियलिटी आप लोगों को जो भर भर के आर्टिकल आ रहे हैं ना उनको इग्नोर मारने हैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है डेली एडिटोरियल आएंगे इसके ऊपर न्यूज़पेपर वालों का काम है ठीक है तो आप लोगों का काम नहीं है वो डेली एडिटोरियल आ रहा है तो डेली एडिटोरियल बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग आप लोग देखो आप लोगों को क्या कर रहे हैं उसको देखो गुजरात में इलेक्शन चल रहा है उसके ऊपर भर भर के आ रहे हैं पैलेस्तीन इसराइल से उस दिन से पढ़ा रहा हूँ मैं छः साल से पता नहीं कब से हर बार आर्टिकल आया कोई मर गया फिर से चार आदमी मर गए फिर से आ गया आर्टिकल आप लोगों का रिस्पॉसिबिलिटी नहीं है उसको पढ़ना एक बार बैठो ए साइज की सीट पर पैलेस्तीन वाला इसराइल वाला इशू क्या है उसको समझो और कहानी खत्म कर डालो ये चीजें होती हैं तैयारी करने की वरना वही चीजें रिपीट करते रहोगे ना तो कहानी चलती रहेगी खराब ठीक है इसरो के जो साइंटिस्ट थे आप लोगों को ये पूरा मुद्दा समझना है ना मैं रिकमेंड करूंगा यार आप लोगों को नामी नारायण साहब के ऊपर एक मूवी बनाई गई है बहुत ही शानदार तरीके से इनकी जो जिंदगी दिखाई गई है जब मैं इनकी ये मूवी देख रहा था ना मुझे बड़ा ही एक डिफरेंट सी चीज़ लगी इस मूवी में जगह जगह ए अब्दुल कलाम सर को भी दिखाया गया है पर लेकिन जब दोनों को कंपेयर करता हूँ कि ए अब्दुल कलाम सर जो है वो इतने आगे पहुँच गए और वो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बन गए और ये कहीं से भी कम टैलेंटेड नहीं थे ए अब्दुल कलाम सर से मैं ये बोलूँगा ठीक है तो यहाँ पर ये इंसान जो हैं जो इतने बेहतरीन साइंटिस्ट थे इनकी जिंदगी सलाखों के पीछे पहुँच गई तो आप लोग देखोगे ए पी जे अब्दुल कलाम सर जो है ना उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में काम किया है सिस्टम के साथ में मिलके यानी कि वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं गए सिस्टम के अपोजिट में नहीं गए कि अच्छा ये कर लेता हूँ अपने ऊपर ही सारी चीज़ें डाल करके ऐसा नहीं उन्होंने एक सिस्टम के अंदर रहकर काम किया है पर इस मूवी में देखोगे ये इंसान जो है ये मतलब एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी कुछ भी करने के लिए तैयार थे पर लेकिन वही आउट ऑफ द बॉक्स जाना इनको कहीं कही ना कहीं बीच में भारी भी पड़ गया तो उसी के चक्कर में आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर फिर मूवी बनी और वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिली वरना जब इनका टैलेंट मैं देख रहा था वो एक तरीके से इक्वल टैलेंट आप लोग बोल सकते हैं कंपेयर करेंगे तो और दोनों का देश को लेकर जुनून भी वो भी इक्वल है पर लेकिन कहीं कही ना कहीं ये थोड़ा सा सिस्टम से कि हाँ मैं अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके चले गया कि हाँ मैं यहाँ से ये चीज़ें ले आता हूँ वहाँ पे लड़ाई चल रही है वहाँ पे सारी चीज़ें रह गई मूवी रिकमेंड करूँगा यार जरूर देखना इसको तो इसी केस के ऊपर बार बार जो वहां पर लोकल पुलिस वालों का हरकतें देखना है, इनके परिवारों के लिए क्या थी वहां पर वो वो सारी चीज दिखाई गई है तो ऐसी मूवी देखा करो आप लोगों को लगे कि हाँ जिंदगी में कुछ सीखा भी है और ऐसी चीजें हो भी सकती हैं एक साइड में कंपेयर करके आप लोग चीजों को देख सकते हो ठीक है तो दो इंसान है एक कैसे तरीके से जिंदगी जी कर गया और एक कैसे तरीके से जिंदगी जी कर गया दोनों एक ही फील्ड के इंसान थे ये बिल्कुल ऐसे है आप लोगों की क्लास में एक बच्चा जो है वो आई बन गया आगे चलकर एक बच्चा जो है आईपीएस बन गया एक बच्चा जो है वो गाँव में है बिल्कुल अपना वेलापंथ में घूम रहा है एक बच्चा जो है सही तरीके से जिंदगी जी रहा है अपने पुलिस वाले काफी ज्यादा तगड़ी तरीके से आए थे ठीक है इंटेलिजेंस के द्वारा भी जिस तरीके से काम किया गया मतलब सिस्टम को गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया मैं ये बोलूंगा हालांकि उन्होंने जाते जाते हिंट दे दिया अगर मूवी देखोगे आप लोग किसके द्वारा हरकतें की गई है तो ये हैं चीजें किस किसी ने देखी है वैसे ये मूवी यस ये फिर नो बताना इसके बारे में आर्टिकल भी कई सारे हैं जो कि आप लोगों ने कई बार देखे होंगे आते रहते हैं इनके ऊपर पर ये मूवी देखते सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी एकदम ठीक है छोटी सी न्यूज है एक बहुत ही बेहतरीन गायक सिद्धू मूसावाला जी उनकी डेथ हुई थी अभी गोली मारकर हत्या की गई थी जिन्होंने मारी थी मास्टर माइंड यूएसए में पकड़े गए पंजाब के सीएम ने बोला फ्रंट पेज पर ये दे रखी है बातें एग्जाम के लिए काम की नहीं है कोलोजियम सिस्टम हजार बार आ चुका है आज फिर एक बार कवर करा दूंगा पूरा कोलोजियम सिस्टम आप लोगों की समझ में आएगा पर ये कराऊंगा जो आगे चलकर जो न्यूज वाला पोर्शन होता है उसमें उसमें इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे एक एक पॉइंट ऐसा क्लियर होगा कि मजे आ जाएंगे ठंड आ रही है कोविड नाइन्टीन फिर से दस्तक दे रहा है चाइना के अंदर तो बेसिकली पूरा प्रोटेस्ट और दुनियादारी चल रही थी आप लोग अपना ध्यान रखो थोड़ा सा और चीज़ों को ढंग से लेकर चलो ताकि सिचुएशन जो है वो संभले वरना ठंड में खासकर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो मास्क वगैरह लगा लिया करो लगाते हो या नहीं लगाते हो <laughs> मुझे तो ऐसा लगता है मैं चलता हूँ मास्क लगा के बाहर कई <laughs> हाल, हालांकि अब तो नॉर्मल हो गया पर पहले कोई चलता तो लोग ये कहते क्या कर रहे हैं पर अभी भी इक्का दुक्का कोई कोई दिखता है मास्क लगाए हुए पर इन रियलिटी धूल से बचा रहा आप लोगों को पोल्यूशन से बचा रहा है आप लोगों को एक तरीके से ना सेव कर रहा है पता नहीं कैसी कैसी बीमारी आ रही है तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है अगर तो सरकार की है ना आप लोगों के घर वालों की है ठीक है हेल्थ ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को खुद ही संभालनी पड़ेगी और नहीं संभालोगे तो फिर भाई साहब लो मजे फिर क्या बोलने वाली बात है ठीक है तो ये कुछ बातें हैं आई होप कि आप लोग इनको कनेक्ट कर पाओगे और जिंदगी में इनको लेकर चलना अब जो आर्टिकल होंगे बड़े आर्टिकल अच्छे से उनको डिस्कस करेंगे ये एक न्यूज़ का जो फ्रंट पेज रहता है उसके बारे में कुछ बात की जा रही थी कई सारे बच्चे बोलते थे सर उसका ओवरव्यू दे दिया करो तो ये सारा ओवरव्यू मैंने दिया जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि दुनियादारी में थोड़ा बहुत चल क्या रहा है ओके दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार सोचा कि चलो यार इतने सारे स्टेट हैं देश के अंदर में इनकी पार्टी करते हैं पार्टी करते हैं पर लेकिन पार्टी में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए धमाका टाइप का तो बोला गया कि वो धमाका क्या होगा कि सबको इकट्ठा करते हैं और सबको कन्विंस करते हैं कि सारे मिलकर एक टैक्स लेकर आते हैं देश के अंदर में जो कि जितने भी देश के अंदर में इनडायरेक्ट टैक्स होंगे वो उस एक टैक्ट में इंक्लूड कर लिए जाएंगे कई सारे राज्य जो हैं उस टाइम पर हामी नहीं भरे उन्होंने बोला कि इससे हम लोगों को नुकसान हो सकता है हमारे पास में बहुत सारे ऐसे सोर्स है जहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं अगर सारा इसमें इकट्ठा हो गया तो जो हमारा नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा सेंटर ने बोला टेंशन नो का टेंसन कोना ठीक है तो टेंसन कोना मतलब टेंशन नहीं लेने का मैं ना? मतलब मतलब कि जो भी नुकसान तुम लोगों का होगा उसकी भरपाई मैं करूंगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला और उनको कन्विंस कर लिया स्टेट गवर्नमेंट भी बेचारे सोचे कि यार जब बोल रहा है तो कर ही देगा और यहां पर इसने साफ साफ ये भी बोला कि ये देखिए ये भरपाई मैं पाँच साल तक करूँगा यानी कि पाँच साल के बाद में मुझे लगता है कि आप लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी पर लेकिन ये जो पाँच साल स्टार्ट हुए थे ये स्टार्ट हुए थे दो से और अभी जो कम्प्लीट हो रहा है वो हो रहा है दो इसी के बीच में एक इतना वो नहीं कहते कि एक तरीके से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने एक तरीके से सबको हिलाकर रख दिया कि धरती पर मैं कोरोना भेज रहा हूँ यानी कि ऊपर से कोरोना आया धरती पर और जैसे ही कोरोना आया ये यहाँ पर सबका जो था बेस हिला के चला गया उसकी वजह से क्या हुआ जो राज्य के पास में जो रिवेन्यू आ रहा था और सेंट्रल गवर्नमेंट जो शेयर कर रही थी वो बीच में ब्रेक हो गया क्यों क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं बचा और राज्य की खस्ता हालत इतनी हो गई उन्होंने बोला कि यार आगे भी हमको ये शेयर करते रहना पाँच साल के लिए इसको और बढ़ा दो सेंटर ने जो है हाथ उठा दिए ऐसा नहीं होता ये नहीं हुआ करता तो ऐसा बोलकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पीछे हटा तो ये सारा फंडा जब चल रहा था तो इसमें कुछ कॉम्पनसेसन जो है वो टाइम टू तो टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उतना रिवेन्यू इकट्ठा नहीं कर पा रही थी सारे टैक्स जब एक ही टैक्स में इंक्लूड हो गए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर पहले ज़्यादा टैक्स थे फिर कम हो गए कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर कम टैक्स थे ज़्यादा हो गए पर लेकिन इसकी वजह से फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इन सब चीज़ों के बीच में भी स्टेट गवर्नमेंट ने हिम्मत नहीं हारी उसने दो टैक्स पकड़ के रखे एक तो टैक्स है आप लोग याद रखिएगा जिसको आप लोग बोलते हैं जो कि शराब के ऊपर लगाया जाता है एल्कोहल के ऊपर और दूसरा जो टैक्स है वो लगाया जाता है पेट्रोलियम जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट रहते हैं डीजल डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया मिट्टी का तेल ये सब चीज़ें तो इनके ऊपर आप लोगों यहां पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स लगाया जाता है इसीलिए किसी भी राज्य में जाएंगे शराब और तेल का भाव आप लोगों को अलग अलग मिलेगा तो इसीलिए आप लोगों ने कोविड 19 के टाइम पर भी देखा होगा जैसे ही यहां पर आप लोगों के सामने कोविड नाइन्टीन थोड़ा ढीला हुआ सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई क्योंकि उसकी तलब सबको लगी हुई थी और इसका पैसा जो है वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जा रहा था अभी यहाँ पर ये सारी जो कहानी मैंने सुनाई है ये सारी मैंने वो प्रक्रिया बताई है जिसके थ्रू जी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया और एक कानून लेकर हमारे देश में आया गया जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कॉम्पनसेशन देगी ताकि वो अपने रोजी रोटी चला सके ये सारी प्रक्रिया जो है एक संविधान संशोधन किया गया और वो संविधान संशोधन जो बिल लाया गया वो था बिल एक सौ बाईसवा एक सौ बिल आगे चलकर एक्ट बन गया और जब एक्ट बना तो एक्ट बना एक सौ ये जो एक सौ एक्ट बना इस एक्ट के थ्रू यहाँ पर सारे प्रोविजन इम्प्लीमेंट किए गए और स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दे दी गई एक आर्टिकल 246 ए के तहत कि तुम लोग भी यहाँ पर जो है वो टैक्स कलेक्ट करोगे तो उनको भी टैक्स की पावर यहाँ पर दी गई पर लेकिन वो सारा टैक्स जो होगा वो जी के अंदर जाएगा और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा एक काउंसिल बनाएगी इन सब चीजों की देखरेख करने के लिए वो काउंसिल थी 279 ए आर्टिकल के तहत में तो ये सब चीजों के साथ साथ में एक कानून भी बनाया जिसको बोला गया जीएसटी कॉम्पनसेशन यानी कि जीएसटी का जो भी कंपनसेशन होगा तो इस यहां पर जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट जो आया इसमें यह बोला गया कि जो भी तुम्हारी कमी होगी उसकी पूर्ति हम लोग करेंगे जब से यहाँ पर जीएसटी स्टार्ट किया गया और ये एंड जो किया है यहां पर इसको एंड किया गया 30 जून 2022 तक का फर्स्ट जुलाई से ये स्टार्ट हुआ था तो पाँच साल यहाँ पर कंप्लीट हुए उसके अभी रिसेंटली क्यों है न्यूज में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरी का सत्रह हजार करोड़ जो रुपये बचा हुआ था कॉम्पनसेशन का अप्रैल से लेकर जून तक का वो अभी रिलीज किया है जीएसटी टैक्स के तहत में इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया है अगर जीएसटी कंपनसेशन के बारे में बात करें तो कंपनसेशन जो है 14 परसेंट ईयर ऑन ईयर ओवर द रिवेन्यू जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला मतलब कहने का यह है कि आज की डेट में अगर आप लोग कंपनसेशन के बारे में बात करोगे तो जब से जीएसटी के बाद में यहाँ पर कोविड नाइन्टीन आया था तो बेसिकली ये लग रहा था कि हाँ सिचुएशन संभलेगी नहीं पर फिर भी अब यहाँ पर ये मुद्दा आप लोगों के सामने है कि जो बचा हुआ बकाया है वो भी यहाँ पर वापस किया गया है तो जो भी ये कहानी आप लोगों को सुनाई है ये सारी की सारी कहानी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पता नहीं कितनी बार ठीक है और ये बेसिक भी है आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में तो इसके बारे में पता होगा तो अच्छे से आप लोग आंसर भी दे पाएंगे तो यहां पर कंपनसेशन क्यों दिया गया था क्या रीजन था ये पूरी स्टोरी है माइंड में डाउट हो तो उसको क्लियर करके आगे बढ़ना है ओके दोस्तों बिहार एक ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर में जिसके बारे में अक्सर आप लोगों को ज्यादा अच्छी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं उसके बारे में नेगेटिव चीजें बताएंगे कि वहाँ पर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा सेफ्टी के बारे में भी वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा चाहे एजुकेशन के बारे में बात करो चाहे हॉस्पिटल यानी कि हेल्थ के बारे में बात करो तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी पोलिटिकल सिस्टम जो है काफ़ी करप्ट है तो कई सारी ऐसी नेगेटिव चीजें आप लोगों ने सुनी होगी पर लेकिन अगर कुछ अच्छा हो जाए वहाँ पर और वो न्यूज़ निकल के आए तो वो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है तो ये, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ स्टेट पीसिस की तैयारी भी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बिहार को अगर आप लोग मैप में ढंग से देखोगे तो एक साइड में उत्तर प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है ये झारखंड के साथ में तो करेगा ही क्योंकि इसी से निकाल कर झारखंड बनाया गया था एक साइड में आप लोगों को वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा और ऊपर आप लोगों को नेपाल देखने को मिलेगा तो यानी कि हमारे देश के तीन ऐसे राज्य हैं जो कि बिहार का बॉर्डर टच करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा यहाँ से नेपाल का बॉर्डर उत्तर प्रदेश ज्यादा टच करता है या फिर बिहार ज्यादा टच करता है ये क्वेश्चन आप लोग बताइए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूछा जा सकता है एग्जाम में ये जो न्यूज है ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी अच्छे से कवर की गई और सेम आर्टिकल इसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हिंदू के अंदर भी कवर किया गया था तो बिहार के अंदर में जो ऑफिस है उसको पेपरलेस करने की बात की जा रही है पेपरलेस मतलब डिजिटल बिहार आप लोगों को देखने को मिलेगा ये यहां पर बोला जा रहा है इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आप लोगों ने देखा होगा कि ये फाइल पास करा दो और वो फाइल पास करा दो उसमें बहुत लार्ज स्केल पर करप्शन होता है तो ये करप्शन की जड़ काटने का तरीका है ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर तो बिहार के अंदर में यहां पर जो लाल फीता शाही यानी कि रेड टेपिज्म यानी कि भाई भतीजावाद और वे अपनी फाइल पास करा लो वो सब चीजें ये अगर एक बार को ऑनलाइन हो जाता है यहां पर तो यहां पर सोचो कितना शानदार तरीके से बिहार जो है वो बदलता हुआ नजर आएगा कौन से डिस्ट्रिक्ट ने यहा पर यह काम स्टार्ट किया है तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा यह है सहरसा तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला है जो पहला पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है ई ऑफिस यहां पर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहार के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये आप लोगों को बताना है और जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं उस राज्य के अंदर आज की डेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं कितने जिले हैं ये आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए छोटी छोटी बातें हैं यार ये अगर पता रहेगी तो इंटरव्यू में आप लोगों को काफी फायदा रहेगा कई सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों को बोली जाती है अच्छे से अंडरस्टैंड आप लोग कर पाओगे ई e ऑफिस का मतलब क्या है सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं जैसे कि आज की डेट में आप लोग कोई फॉर्म भरते हैं कोई आप लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए सारी चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन देखने को मिलेगी तो ई e ऑफिस इनिशिएटिव है यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या रहती है यहाँ पर अच्छी चीज़ ये रहती है कि लोगों को ऑफिस खुलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ये फलाना ढिमकाना अफसर जो है ऑफिस में आया नहीं है तो कैसे काम चलेगा तो यहाँ पर ऑनलाइन चीज़ें होने के बहुत सारे फायदे रहते हैं ट्वेंटी फोर बाई सेवन जो है वो चीज़ें अवेलेबल रहती हैं ऐसा देख सकते हैं जैसे यूट्यूब पर किसी भी टाइम आप लोग चौबीस घंटे में से किसी भी मिनट आकर लेक्चर देख सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप लोग लेक्चर देख सकते हैं ऐसा नहीं कि इस टाइम से इस टाइम तक यूट्यूब बंद रहता है वैसे होना चाहिए है कि नहीं <laughs> कैसा लगे कि मतलब बोल दे कि ये ड्यूरेशन के लिए बंद रहा करेगा इससे क्या होगा इससे फायदा होगा कि थोड़े से डिसिप्लिन में आ जाएंगे 24 घंटे यूट्यूब पर बैठे रहते हैं या फिर सोशल मीडिया पर वो नहीं रहेगा कोई ना कोई रूल आना चाहिए ना ऐसे इसे कि सोशल मीडिया इस ड्यूरेशन में ये जो है बंद रहने वाला है मतलब कि कम से कम इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई भी सोशल मीडिया जो है वो देश के अंदर नहीं चलेगा कैसा रहेगा इस ड्यूरेशन में लोगों को क्या करना है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से अपने इतनी शांति में अपने चीज़ों के बारे में सोचना है मतलब मुझे अभी दिमाग में आई ये बात आप लोग बताओ कैसा रहेगा मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है ई गवर्नेंस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था आज से नहीं ये 2009 से जिससे कि कैसे हम लोग पेपर वर्क को आज के डेट में जो इतना ज्यादा फाइलें पड़ी रहती हैं उसके ऊपर वो फाइल उसके ऊपर वो फाइल और कई बार तो करप्शन की फाइलों को जलाने के लिए पूरे के पूरे ऑफिस में इलेक्ट्रिक सोट हो गया भाई साहब वहां पर आग लग गई वो कब लगती है वो तभी लगती है जब कोई ऐसी हरकतें देखने को मिलती है अगर देश के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है इनके द्वारा ये अचीवमेंट जो किया गया है ये पहली बार किया गया है बिहार के अंदर ये अचीवमेंट पहली बार किया गया है पर बिहार से पहले ऑलरेडी ये अचीवमेंट सबसे पहला हमारे देश में किया गया था केरला के द्वारा केरला का है इद्दू की डिस्ट्रिक्ट जिसने शानदार परफॉर्मेंस देते हुए दो में यानी कि आज से दस साल पहले ये अचीवमेंट कर चुके हैं तो केरला देखो कितना आगे चल रहे हैं हैदराबाद आज से लगभग मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो छ साल पहले ऑलरेडी हैदराबाद भी इस चीज को अचीव कर चुका है बेसिक एम क्या रहता है कि हाँ पर बढ़ाई जा सके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की और मिनिस्ट्री के अंदर कोई और जो बर्डन रहता है खासकर जो इस तरीके की चीजों को मैनेज करने का वो ना हो फिर सोचो एक पर्टिकुलर ऑफिसर है वो क्या कर रहा है वहां पर कोई प्रमाण पत्र लेने आ रहा है उन सब चीजों पर साइन करते जा रहा है और वो सारे काम कर रहा है वो उसी में बिजी है जाकर वहां पर बैठने में और वो क्या कर रहा है उससे कोई इंसान अगर मिलने आ रहा है अपनी कोई प्रॉब्लम समस्या लेके वो उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है मतलब वो बहुत सारे अनवांटेड कामों में जो है वो आप लोग को फंसा हुआ नजर आएगा ऐसा आप लोग बोल सकते हैं तो उसकी एफिशियंसी यहां पर बढ़ाने की कोशिश यहां पर की जा रही है ऐसा बोल सकते हैं इससे काफी अच्छे से चीजें जो हैं वो पॉजिटिव मैनर में आप लोगों को चलती हुई नजर आएंगी आप लोग आज की डेट में देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट की रहती है आज की डेट में अगर वो सारी चीजें अगर से एक को, एक मैं आप लोगों को यहाँ पर उदाहरण देता हूँ आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज की डेट में भी बैंक में फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं मैं आप लोगों को बता दूँ पता नहीं मैंने लास्ट टाइम कब बैंक में विजिट किया था तो आप लोग यहां पर सारी चीजें ऑनलाइन देखने को मिलती है आज के तो बैंक में विजिट करने की कोई जरूरत ही नहीं रह गई है तो ये आप लोग समझ सकते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं सब कुछ आप लोगों का ऑनलाइन रहेगा तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऑनलाइन आप लोग फिलअप कर सकते हो सारी चीजें तो इससे जो रेड टेपिज्म है यानी कि आप लोग रेड टेपिज्म का मतलब क्या होता है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो एक तरीके से फिता फीताशाही ब्यूरोक्रेसी की देखने को मिलती है अभी अगर आज की डेट में आप लोग जाओगे किसी ऐसे ऑफिस में जहां पर आज की डेट में कोई आप लोगों को पेपर वर्क करवाना है साइन करने में वहां पर उसके चक्कर काटने पड़ जाते हैं भाई साहब इतने बिजी हैं ऐसा लग रहा है कि वो इस पर्टिकुलर काम के लिए रखे ही नहीं गए हैं वो तो बस एक तरीके से भाव खाने के लिए रखे गए हैं तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आता है और साइन भी करेंगे तो फिर भाई साहब पैसा दो अब पैसा लगेगा साइन करने का ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा तो अननेसेसरी पेपर वर्क जो यहां पर निकल कर आता है बिना किसी बात के जरा जरा सी चीज में नाक नुक से निकाले जाते हैं ये ऐसे हो गया ये ऐसा भी हो गया वो चीज देखने को मिलेगी अननेसेसरी लाइसेंसिंग रहती है मल्टीपल जो लोग लगे रहते हैं एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेने में और फिर भी वो काम नहीं हो पाता है ठीक है तो एक तरीके से अलग अलग चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं इसी के साथ में वेरियस लेवल पर चीजें देखने को मिलती हैं ठीक है ठेके? जिसकी वजह से और डिफिकल्टी होती है काम और अच्छे से नहीं हो पाता है तो ये जो सारी चीजें हैं इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं कम किया जाएगा और इसके बेस पर सिचुएशन जो है वो सुधरती नजर आएगी इससे रेड टेपिज्म और गुड गवर्नेंस का आप लोग कनेक्शन कर सकते हो डायरेक्ट आप लोग खुद सोचो आप लोगों को अपना आज की डेट में मूल प्रमाण पत्र चाहिए वो आप लोग जाओगे एक पर्टिकुलर ऑफिस में वहां पर जाओगे तो वहां पर आप लोगों को लाइन में लगाए रखे हैं काम छोड़ के आप लोग को अपना जाना पड़ेगा उसको हो सकता है करप्शन के मुद्दे पर पैसे भी देने पड़ जाएं पर सेम काम आप लोग अपने आधार कार्ड का अपडेट करो वहां पर डिटेल अपना फोन नंबर करो और अपनी डिटेल वहां पर फिल करो और अपना मूल प्रमाण पत्र जो है वो आप लोग डाउनलोड कर लो कैसा रहेगा पहले वाले के साथ में जाएंगे आप लोग दूसरे वाले के साथ में जाएंगे तो ये है बेसिकली गवर्नेंस e का फायदा तो सिटीजन को सेटिस्फेक्शन रहता है कि हां उसका टाइम भी बच गया चक्कर नहीं काटना पड़ गया घर पे बैठे बैठे काम हो गया एक तो सबसे बड़ी ये फायदा देखने को मिलेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया जो आप लोग आंसर राइटिंग भी यूज कर सकते हैं तो सिटीजन को एक तरीका सेटिस्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा सिटीजन को काफी अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि अगर कोई सारी चीज़ें ऑनलाइन आ रही हैं यहाँ पर सब कुछ फंड ऑनलाइन आ रहा है ठीक है पेपर वर्क ऑनलाइन यहाँ पर हो गया तो कोई भी कुछ दिक्कत ही नहीं है तुरंत वो स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट होती है आप लोगों को नजर आएगी लोग आप लोगों से पैसे नहीं मांग पाएंगे यानी कि करप्शन जो है वो खत्म हो जाएगा कई सारे काम मान लीजिए कोई जो सामान लाना ले जाना इन सब चीजों में खर्चा भी होता है तो इंसान का भी खर्चा बचेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों को होता हुआ पर नजर आएगा और कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो सारी डिटेल ऑनलाइन है यहाँ पर तो लोगों को जस्टिस भी मिल पाएगा तो सर्विस डिलीवरी भी काफी अच्छी होगी ऐसा बोल सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग एम नरेगा की वेज पेमेंट के बारे में बात करें जब से चीजें हो गई हैं ऑनलाइन तब से आसानी रहती है काफी लार्ज स्केल पर तो ये सारे के सारे पॉइंट अगर पूछ ले आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन के अंदर में कि हाउ रेड जो यहां पर गुड गवर्नेंस गुण तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से आप लोग आंसर कर पाओगे ठीक है इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं पेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए टेलीग्राम पर आंसर राइटिंग में जो भी पार, जो पार्टिसिपेट करते हैं देखा करो कितने शानदार तरीके से आंसर लिख रहे हैं तो ये काफी अच्छे से आप लोग यहां पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये देखिए बेसिकली ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि मैंने पढ़ाया तो ये बिहार के बारे में है पर लेकिन ये सेम क्वेश्चन अगर गुड गवर्नेंस का आ जाए ये लिखा है इस पर गुड गवर्नेंस बस बिहार में ही रहेगी या रेडिज बिहार में ही रहेगा नहीं ये किसी भी राज्य के अंदर देखने को मिल सकते हैं इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी लाल फीता साई बोलते हैं हिंदी में इसको ठीक है तो आप लोग कहीं पर भी जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखेगा एक गुड गवर्नेंस को क्या बोलेंगे सुशासन एक तरीके से अच्छी गवर्नेंस सुशासन आप लोग बोल सकते हैं उसको ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है अटेम्प्ट करिए अच्छे से बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और जरा सा चेंज कर आप लोगों का दिमाग घुमाने की कोशिश यहां पर की जा रही है बोला जा रहा है कि रेड टेप क्या है यहां पर तो फिलिंग आउट सीमलेसली नेसेसरी पेपर वर्क दूसरा यहां पर ऑब्टेनिंग अननेसेसरी लाइसेंस तीसरा मल्टीपल लोग या कमिटी अप्रूव और डिसीजन लेने में रहते हैं लो लो लेवल का आप लोगों को रूल जो मेकिंग कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसकी वजह से कई सारी दिक्कत आती है और काफी सारी डिफिकल्टीज आप लोगों को देखने को मिलती है कई सारी चीजें सफर करती हैं ठीक है ठेके? सही क्या है यहां पर ए में बोला गया वन टू थ्री बी में बोला गया टू थ्री फोर सी में बोला गया वन थ्री फोर और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो ध्यान से अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो यहां पर अननेसेसरी नहीं है ना कि नेसेसरी ठीक है तो नेसेसरी नहीं अननेसेसरी होगा यहां पर क्योंकि नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग को देने ही देने पड़ेंगे तो आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर बी हो गया तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखते हैं यहां पर अननेसेसरी है ना कि नेसेसरी तो अननेसेसरी चीजों को हटाना है जो कि काम की नहीं है उनसे आप लोग को डिस्टेंस बनानी है सेम क्वेश्चन आप लोगों से रेड टेपिज्म किस तरीके से गुड गवर्नेंस को रोकता है उसके बारे में अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ऐसे स्टेटमेंट देकर अगर आप लोगों से अक्सर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं अफेक्टेड करता है सिटीजन का सेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है यानी कि रुकावट कई बार देखने को मिलती है स्कीम को इंप्लीमेंटेशन में डिले होता है जस्टिस में और डिक्रीज होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सही आंसर क्या है यहां पर वन टू थ्री टू थ्री फोर वन थ्री फोर या फिर ऑफ दाबो ध्यान से अगर पढ़ोगे तो ये स्टेटमेंट जो है इन तीनों स्टेटमेंट के साथ में मैच नहीं कर रही है ये नेगेटिव स्टेटमेंट है यहां पर और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये आंसर क्या हो गया आंसर यहां पर इसका ए हो गया तो इस तरीके से आप लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का बन सकता है एग्जाम में और इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को ढंग से अटैम्प्ट कर पाओगे तो ये है ई गवर्नेंस के बारे में और जो बातें आप लोगों को बताई यहां पर ये केरला के बारे में हैदराबाद के बारे में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है गुड गवर्नेंस डे जो है वो हमारे देश में किस डेट में सेलिब्रेट किया जाता है ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देता है और किस पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के नाम से रिलेटेड है गुड गवर्नेंस डे ये भी आप लोगों को बता रहे हैं हालांकि पता होगा आप लोगों को फिर भी रिवीजन हो जाएगा देखता हूं कौन बताता है दोस्तों एक शब्द है शक्ति और ये शक्ति शब्द जो है वो आप लोगों ने कई जगह यूज होता हुआ पाया होगा अभी मैं आप लोगों से एक और शक्ति के बारे में बात करूंगा और ये जो शक्ति है ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर से निकल कर आ रही है तो आप लोगों से यहां पर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बारे में बात करूंगा क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आप लोगों को कोयले के साथ में भी देखने को मिलेगा जो कोल होता है ना कोयला उसके साथ में देखने को मिलेगा पीआईबी के द्वारा कवर किया गया तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इस आर्टिकल को खुद कवर कर रही है अपनी स्कीम या पॉलिसी के बारे में बता रही है तो स्कीम और पॉलिसी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाता है रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा अनाउंस किया गया कि जो स्कीम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ एग्रीगेट पावर है चार मेगावाट वो यहां पर कॉम्पिटेटिव बेसिस में फाइव ईयर फाइनेंस ओन ऑपरेटेड के बेसिस पर यहां पर शक्ति पॉलिसी के तहत चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी शक्ति पॉलिसी अगर शक्ति की फुल फॉर्म आप लोगों को पता चल जाए तो कुछ चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे शक्ति का मतलब क्या है स्कीम टू हार्नेस एंड एलोकेट कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया यानी कि कोयले को उसी इंसान को मिलना चाहिए ट्रांसपेरेंट तरीके से जो उस इंसान जो कि उसको हैंडल कर सकता है और जो कि उसके अंदर करप्शन न करे तो ये इस तरीके की पॉलिसी है यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी यहां पर रखनी है यहां पर कोई भी एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें यहां पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि फिर उसका इस्तेमाल भी उतना ही गलत होता हुआ आप लोगों को हाँ पर नजर आएगा तो इसी से रिलेटेड यहां पर ये पॉलिसी है तो सख्ती पॉलिसी के बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा इसमें जो की फीचर है इस स्कीम के तहत में यहां पर ये फोकस किया जा रहा है कि जो सप्लाई की जाएगी वो चार मेगावाट के लिए बिड यानी कि बोली लगाने की बात की जा रही है और सख्ती पॉलिसी के तहत यहां पर यह बोली लगाई जाएगी और यहां पर यह सारी चीजें जो हैं सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्टार्ट की जाएगी अप्रैल 2023 तक का यानी कि आज के हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो अप्रैल 2023 तक का यहां पर यह सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के द्वारा यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है एलोकेट करने के लिए 27 के करीब जो एम टी पी एम टी पी के हैं अगर आप लोग इसको जाकर सर्च करोगे कोई भी टर्म ऐसी होती है ना मान लो मैंने आप लोगों को बताया नहीं है ठीक है जैसे एम टी पी ए हो गया तो अगर आप लोग एक बार कोई जाकर इसको सर्च करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा और कई सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने को मिल जाएगी पर लेकिन ये ऐसे शब्द है एक जगह यूज थोड़े ना हो रहे हैं हर जगह यूज होते हुए नजर आएंगे तो बेसिक मतलब क्या है इसका मेट्रिक टन पर एनम ठीक है तो इनके वेट की एक तरीके से आप लोग मेजरमेंट इसको बोल सकते हो तो मैट्रिक टन पर एनम यानी कि हर साल 27 सेवन टन पर एनम के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है कि एलोकेट किया जाएगा तो इसके बेस पर यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो स्टेट है यहाँ पर जो कि आज की डेट में कोयले की वजह से पावर शोर्टेज फेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से बनाई जाती है तो अगर पता चला कि कोयले की खान जो है खदान उसमें पानी भर गया काफी लार्ज स्केल में पता चला जहां कोयले की खदान है वहां पर लोग जो है उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया काम ही नहीं कर रहे हैं पता चला लॉकडाउन की वजह से कहीं पर कोला फंसा पड़ा है वो बिजली के जो पावर प्लांट है वहां तक आ ही नहीं रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन है वो कम हो जाएगा और जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कम होगा उस एरिया में हाहाकार मचेगी सोचो गर्मी की कड़कती धूप में यहाँ पर अगर बात करें उस टाइम पर जो एक बहुत ही तकड़े वाली गर्मी पड़ रही है लोगों के घर से बिजली एकदम गायब हो जाए और कईयों घंटों तक न आए तो कैसा लगेगा लोग जो है भाई साहब चीजों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देंगे तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो ऐसी कोई सिचुएशन न देखे और सारी चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में चलती रहे इसी के लिए यहां पर ये शक्ति पॉलिसी लेकर आई गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा दो में ताकि चीजों को सिस्टेमेटिक वे में इंप्लीमेंट किया जा सके मतलब मतलब यह है कि कोयले को पावर सप्लाई के साथ में लिंक किया जा रहा है उसका ये एग्रीमेंट आप लोग ये ऑप्शन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है तो सबसे पहली बात तो क्या है जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं याद रखिएगा है, कोयले से जो बिजली बनाई जाती है उसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बेसिकली बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं जिसके थ्रू बनाते हैं या फिर आप लोग थर्मल एनर्जी बोल सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप लोगों से कि वट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ कोयला इज कॉल्ड यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम लोग ठीक है यानी कि कोयले के बनाई गई बिजली को क्या बोलते हैं हम लोग सोलर पावर बोलते हैं ठीक है थीके? जियो थर्मल बोलते हैं या थर्मल बोलते हैं या कोयला पावर बोलते हैं तो उसको आप लोग थर्मल पावर बोलेंगे ठीक है तो कोयले से बनाई गई जो पावर है उसको थर्मल पावर बोलते हैं तो थर्मल पावर प्लांट के थ्रू यहां पर ये यह बनाया जाता है ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं ठीक है काफी ज्यादा फायदा इससे देखने को मिलेगा खासकर इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में और एक एरिया में नहीं जब ऐसा कुछ करेंगे तो ढांचागत विकास भी होगा और बैंकों को काफी पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी आप लोग बोलोगे कोयले का बैंक से क्या रिलेशन बहुत बड़ा रिलेशन है भाई साहब दुनिया भर के लोन ले रखे हैं कंपनीज ने जो बिजली बनाने वाली हैं और बैंक का पैसा ये पे नहीं कर पाते हैं इसकी वजह से बैंक की खस्ता हालत होती है यहां पर नजर आती है तो उनके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम पड़ता हुआ नजर आएगा अगर यहां पर हम लोग ये एरिया ढंग से अपना आगे लेकर चल पाएंगे तो डिपेंडेंसी जो इंपोर्ट के कोयले पर है बाहर से जो विदेशों से कोयला खरीद कर लेकर आते हैं वो भी खत्म होगा और डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर में जो कोयला है वो हम लोग और इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे इसका कहने का मतलब यहां पर यह कि और पॉजिटिव साइड में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे तो कोयले का एक अच्छा इस्तेमाल हम लोग यहां पर बोल सकते हैं इसको है कि नहीं आप लोग ही क्या रहे है इसके बारे में आप लोग इसको क्या सोचते हैं तो ये काफी पॉजिटिव है जो कि आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा तो सख्ती पॉलिसी के बारे में कोई पूछे डायरेक्ट तो ये बेसिक

यहां पर सपोज टू बी बेनिफिट बेनिफिट जो एक तरीके से benefit इसका होने वाला है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर नोट द पब्लिक सेक्टर बैंक ये बोला गया। तीसरा बोला गया गया तीसरा एम रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट और प्रमोट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो सही आंसर यहां पर क्या है अगर आप लोगों के हिसाब से यहां पर बात करूं सबसे पहले तो आप लोगों यहां पर यही आप लोग देखते हैं क्या बोला इनकरेक्ट बोला गया यहां पर और इनकरेक्ट में कौन सी है ये स्टेटमेंट डायरेक्ट मैंने बोला ना बैंकों को भी फायदा होगा तो यहाँ पर आंसर इसका ए हो गया तो ये स्टेटमेंट जो है पब्लिक सेक्टर बैंक को फायदा पहुंचाने की बात मैंने डिटेल में किया आप लोगों से तो सकती पॉलिसी कब लॉन्च की गई किसके द्वारा लॉन्च की गई इसकी फुल फॉर्म क्या है अगर ये पता होगा तो ये समझो कि आप लोगों का एक क्वेश्चन पक्का और एक क्वेश्चन पक्का तो दो नंबर पक्के तो ऐसे चीजों को तैयार करना है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप लोग कंफर्टेबल फील कर सको ना कि ये लगे कि यार ये क्या हो गया अनकंफर्टेबल आप लोगों को लगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है तो ये है पर्टिकुलर बेसिकली इंफॉर्मेशन छोटी सी छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है कोई डाउट हो तो बताना ओके दोस्तों जब हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा कुछ बोला जाता है तो इसका मतलब यह है कि एक थिंक टैंक यानी कि शांति में बैठकर सोच समझकर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा कुछ बोला गया है और नीति आयोग बनाया भी इसीलिए गया था जब 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया तो नीति आयोग बनाया गया ठीक है तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर कर नीति आयोग बनाया गया था यह क्वेश्चन यूपीएससी आप लोगों से पूछ चुकी है ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं और इवन ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है समझ रहे हैं आप लोग यहां पर तो ऐसी ऐसी चीजें भी आप लोगों से पूछी जाती हैं और ये यूपीएससी पूछ रही है इसको ठीक है तो इसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है तो ये एक तरीके का थिंक टैंक है जो कि सोच समझ कर काम करेगा और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करता है यानी कि संघवाद के ढांचे के ऊपर काम करता है जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर काम करेंगे ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो कई सारी चीज़ों के रोड मैप बना रखे हैं हमारे देश में नीति आयोग के द्वारा अमृत मिशन डिजिटल इन अटल इनोवेशन ये किस तरीके से मेडिकल एजुकेशन को लेकर चलना है एग्रीकल्चर को कैसे लेकर चलना है बहुत सारी ऐसे रिफॉर्म के बारे में ये बात करता है ये पर्टिकुलर सिस्टम जो हमारे देश में लाया गया इसका पर्पज ये था कि चीजों को सोच समझ कर आगे किया जा सके कि। उसी नीति आयोग ने क्या बोला अभी कि डी कार्बनाइजिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एमिशन यानी कि जो इंडस्ट्री के द्वारा जो एमिशन छोड़ा जा रहा है उसको डी कार्बन करना है यानी कि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रही है उसको कंट्रोल करना है आखिर नीति आयोग ने ऐसा क्यों सोचना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे रीजन है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ट्वेंटी सेवन इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी फिर आगे 28 आप लोगों को देखने को मिलेगी इन सब चीज़ों का बेसिक मुद्दा यह है कि हम लोग सिचुएशन को इस तरीके से रखें ताकि हम लोग 2070 में कार्बन डाई जो का जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको बोला है हम लोगों ने नेट जीरो कर देंगे तो नेट जीरो का मतलब ये नहीं होता कि हम लोग यूज़ करना बंद कर देंगे चीज़ें नेट जीरो का मतलब होता है कि जितनी चीजें ये बिल्कुल ऐसी है साधारण सा उदाहरण जितने पेड़ काटे उतने ही पेड़ लगा दो इस ऐसा आप लोगों हाँ पर देखने को मिलेगा तो इसी के लिए हाँ पर CCUS, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आप लोग सिस्टम बोल सकते हैं जिसको बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी कि जो कार्बन होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको कैप्चर करो जैसे कि यहां पर इसको कैप्चर करने की एक विधि दिखाई जा रही है और उसको फिर आगे आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो और उसको स्टोर भी कर सकते हो तो कार्बन ऑक्साइड जो कि एक पोल्यूटेड एक मटेरियल है उसको आप लोग निकाल सकते हो इन्वायरमेंट से और ये बहुत तरीकों से इन्वायरमेंट में जाता है जैसे स्टील बन रही है सीमेंट बन रहा है ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर ये सब यहाँ से सब जगह से कार्बन डाई ऑक्साइड निकल कर आता है तो हमारा बेसिक पर्पज ये है कि हम लोग दो तक का हमारा टारगेट रखा गया है कि कार्बन एमिशन को आधा करना है तो ये यहां पर फोकस देते हुए जो कि यहां पर कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज सिस्टम है नीति आयोग ने इसके थ्रू यहां पर चीजों को प्रिपेयर किया है तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं ठीक है तो ये एक ऐसी चीज है जो कि कम से कम एटलीस्ट माइंड में तो आप लोग जरूर क्लियर रखेगा क्योंकि कल को कोई पूछने की मतलब क्या है क्या क्या चीजें हैं तो जब आप लोगों को पता होगा तो फिर आप लोग चीजों को समझ भी कर पाएंगे और चीजों को इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे ठीक है तो कार्बन डाइऑक्साइड पर फोकस दिया जा रहा है अभी पहले याद रखना 2050 तक का टारगेट है तो इसके लिए सबसे पहले तो सोचने की जरूरत है यानी कि हर एक लेवल पर हम लोग काम करेंगे तभी चीजें आगे होगी ना अगर सोचेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा तो इस रिपोर्ट में कई सारी चीजें यहां पर बताई गई है यानी कि सबसे पहले तो आप को क्या करना है जो सीओ टू है ठीक है आप लोग उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको देखना है कैसे स्टोर करेंगे और मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर ठीक है तो वो देखेंगे किस तरीके से कौन इस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और इकोनॉमी के अंदर में ये जरूरी भी है जब कोई भी काम नया स्टार्ट किया जाता है उसके अंदर लोगों को काफी जॉब भी मिलती है तो इसके चलते जो इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहां पर भी आप लोग को इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होता हुआ नजर आएगा ठीक है तो ये आप लोग देख सकते हैं और कार्बन जब कैप्चर किया जा रहा है यहाँ पर तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि आठ से लेके दस मिलियन फुल टाइम ये इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों को इम्प्लॉयमेंट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा देखो यार आप लोग इसको समझने में जब किसी चीज़ को समझते हो ना अगर मान लो मैं आप लोगों से बोलूँ आप लोग कूड़ा मत फैलाया करो ठीक है आप लोग बोलोगे यार हमारे कूड़ा फैलाने से क्या होता है दुनिया कूड़ा फैला रही है ठीक है हमने जरा सा कूड़ा फैला जाए तो उसमें क्या हो जाएगा तो इसको सोच कर देखो अगर हर एक इंसान जो जो कूड़ा फैला रहा है वो कूड़ा फैलाना अगर बंद कर दें तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ सकता है ठीक है तो यहाँ पर इसी के ऊपर बात की जा रही है कि आज की डेट में हम लोग कैप्चर करने की बात करें 2050 तक 750 ये मीट्रिक टन पर एन यानी कि हर साल इतना हम लोग इसको कैप्चर करेंगे और इसको कैप्चर करने का जो प्रोसीजर होगा जो सिस्टम इस्टेब्लिश किया जाएगा उससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी यहाँ पर तो कुछ भी काम हो कूड़ा उठाने का काम हो उसमें आप लोग देखो ऐसे तो नहीं हवा में उठ जाएगा फूक मारो कूड़ा उठ जाएगा उसके लिए जॉब देनी पड़ती है उसके लिए लोगों को लगाना पड़ता है म्यूनिस्पल कॉर्पोरेशन आप लोगों को काम करती है, नजर आती है तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो ब्रॉड लेवल पर पॉलिसी का आना काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर अगर ये काम हम लोग को करना है नेशनली जो डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है हमारा यानी कि नेशनल लेवल पर हम लोग कौन कौन सी चीजों को हम लोग सही करना चाहते हैं उसके ऊपर हम लोग को फोकस देना पड़ेगा और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस करना पड़ेगा जो एक्ट जो यहां पर हम लोग एक तरीके से इंपॉर्टेंस है कि रिड्यूस करो जो एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्या है कि रिडक्शन इन द स्ट्रटर्जी टू अचीव द डिकार्बोनाइजेशन तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना पड़ेगा ठीक है तो यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कैसे रिड्यूस करना है उसके बारे में एक स्ट्रेटी बनानी है डिपेंडेंसी फोसिल फ्यूल के ऊपर कोयले के ऊपर तेल के ऊपर उसको कैसे खत्म करना है वो भी जरूरी है देखिए सबसे बड़ी बात है मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को छह महीने में एग्जाम क्लियर करना है तो आप लोगों को सबसे पहले सुनते ही सिलेबस उठा के लेकर आना है कि सिलेबस देखो यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा सिलेबस आ गया चलो क्वेश्चन पेपर देखे जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर हैं वो सामने आ गए अपना लेवल देखा प्रैक्टिस करके तीन चार क्वेश्चन पेपर अच्छा अपना इतना लेवल है इतना एफर्ट डालना पड़ेगा अच्छा पॉलिटी तो अच्छी है एस से पढ़ रखी हम लोगों ने पर लेकिन क्या नहीं अच्छा है यार जियोग्राफी अच्छी नहीं है तो उसके लिए कुछ करते हैं ठीक है करंट तो यार अच्छा है उसमें तो मजा आता है पर यार हिस्ट्री में इतना मजा नहीं आ रहा है उसको क्या किया जाए तो इस तरीके से आप लोगों के माइंड जो है वो चर्निंग करना स्टार्ट कर देगा आप लोग फिर उसके ऊपर काम करोगे और फिर सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आएगा तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं ठीक है है तो ये जो पर्टिकुलर सिस्टम उसके लिए आप लोगों को स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज ये एक मेथड है जो कि यह टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे आप लोगों को जो गैस है यहां पर हम लोग को एटमोसफेयर से इसको हटाना है ठीक है तो यहां पर सीओ टू जो कैप्चर किया जाता है यहां पर इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कन्वर्ट किया जाता है एक फ्यूल रेफ्रिजरेंट के तौर पर ठीक है तो ये एक तरीके से याद रखिएगा इसको एक तरीके से यहां से क्वेश्चन ही बन सकते हैं आप लोगों से और एक ऐसा मेटेरियल बनाया जाता है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आगे चलकर और कंसिडर किया जाता है कि काफी हेल्प करेगा कंट्रीज को जो अपना एमिशन कम करने वाली है दो हजार तीस तक का आधा और नेट जीरो दो हजार पचास तक का तो उनके लिए भी सजेशन है यूएसए का टारगेट है कि नेट जीरो दो हजार पचास तक करेंगे चाइना का टारगेट है दो सार्थ, सार्थ तक करेंगे और इंडिया का टारगेट कब तक है ये आप लोग बताइए चैलेंज एसोसिएटेड क्या है इसके साथ में एक तो एक्सपेंसिव है ये आसान तरीका नहीं है ठीक है आग का दरिया है और तैर के जाना है या फिर डूब के जाना है ठीक है इसी के साथ में लेस डिमांड है फॉर रिसाइकल्ड सीओ टू के लिए तो ये लेसर एक तरीके से ये भी देखने को मिलेगा तो ये कई सारी हर कोई भी काम करोगे ना उसमें हंड्रेड आप लोग बोल दो कि सब कुछ ऐसे काम हो जाएगा तो देखो वो तो नहीं होने वाला है कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेगी और आराम आराम से काम लेकर चलना पड़ेगा तो तब जाकर सिचुएशन जो है वो आप लोगों के हाथ में आएगी यानी कि सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को काम करना पड़ेगा पर लेकिन अगर आप लोग करना सीख गए तो फिर मजे भी इतने आएंगे इसके एप्लीकेशन अगर सी सी यू एस के आप लोग बोलो तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि क्लाइमेट चेंज में कितना बड़ा रोल प्ले करेंगे सबका टारगेट ये कि कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लो भाई साहब पकड़ लो घेर लो ये रहता है कार्बन डाइऑक्साइड के पीछे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो भी चीज़ें रहेंगी उसको हम लोग सही तरीके से लेकर चल पाएंगे एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो वहां पर भी आप लोग देखते हैं सही से हम लोग चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे क्योंकि वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ता है काफी लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड का ये आप लोग याद रखिएगा और काफी लार्ज लार्ज स्केल पर मेथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से खेतों में पुआल जला दिया वो सब चीजों से भी आप लोगों को चीज देखने को मिलती है यहाँ पर इन्हेंस होगी ऑयल रिकवरी तो ये भी एक सिस्टेमेटिक वे में आप लोगों को चीजें होती है नजर आएंगी यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि आप लोग अगर इसको लेकर चलोगे तो डिपेंडेंसी भी कई सारे देशों के ऊपर हमारी जो है वो आप लोगों को कम होती है यहां पर नजर आएगी यानी कि आप लोग सारी चीजें ना जैसे कि ऑलरेडी कई सारी हम लोग क्या कर रहे हैं आज के डेट में प्लान बना रहे हैं तो ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करेंगे या इंडियन ऑयल कॉर्परेशन है तो वहां से आप लोग देखते हैं हम लोग सी ओ टू को अगर लेकर आएंगे ढंग से तो हम लोग फिर ढंग से चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे ठीक है तो ये कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में जितने भी हम लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट डालते हुए आप लोगों को नजर आते हैं तो सब जगह फायदा होगा अगर हम लोग चीजों को ढंग से लेकर चलेंगे तो आप लोग ही क्या रहा है इसके बारे में तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है नीति आयोग की तो इसके बारे में आप लोग कुछ कुछ ये बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा कल को क्वेश्चन बन जाए तो ये मत लगे कि यार कहाँ से आ गया क्वेश्चन ये क्या है क्या है ये पर्टिकुलर ये सिस्टम डिकार्बनाइज करना ये सी सी यू एस क्या है ये तो यार कुछ नया आ गया शॉर्ट फॉर्म लिख दी इसकी यार ये क्या हो गया तो हड़बड़ाना नहीं है ऐसे आप लोगों को इतना तैयार मैं कर दूंगा कि आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में ठीक है फीडबैक जरूर देना कि क्या डाउट है कैसे रहा उसके बारे में पूछ सकते हो ओके दोस्तों वैसे तो दुनिया भर की इंटरनेशनल बॉडी है उनके अलग अलग हेड क्वार्टर है पता नहीं कौन कौन लोग उनमें काम करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है पर वो इंटरनेशनल बॉडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एक तो जिसका हम लोग पार्ट बन जाते हैं और दूसरा वो किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज़ में होती है तो उन चीजों पर आप लोगों का ज्यादा फोकस होना चाहिए तो ऐसी ही एक न्यूज़ है आप लोगों के सामने इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आई ई सी बोलिएगा आखिर ये क्यों मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं तो इसके बारे में आप लोगों से बात करता हूँ यह है इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन ये इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन जो है ये हमारी कंट्री के हाथ में इसकी वाइस प्रेसिडेंसी आ गई है तो इसके चलते ये रिसेंटली अभी न्यूज में है यानी कि हमारा देश यानी कि अपनी प्यारी कंट्री के द्वारा जीत लिया गया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की प्रेजिडेंसी जो वाइस प्रेजिडेंसी इसी के साथ में स्ट्रेटेजिक जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके चेयर हम लोग यहां पर बन रहे हैं दो से लेकर पच्चीस तक का तो इसलिए कल को चलकर अगर यहां से कुछ पूछा पूछ जाए तो आप लोग बोलोगे यार ये कैसे क्वेश्चन आ गया ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं था पर लेकिन इंडिया इसका पार्ट बना है इसलिए आप लोगों से पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोग इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है ये क्या है तो आप लोगों के माइंड में तो आ रहा होगा कि हाँ ठीक है बन तो गए यार ये तो बता दो तो, कहीं के बन गए <laughs> ठीक है तो ये हम लोग जो बन गए हैं वो बन गए हैं इसके वाइस प्रेजिडेंट और ये क्या करता है ये दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए इसके ऊपर ये काम करता है यानी कि अगर कुछ भी चीजें आ रही हैं मार्केट में तो उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए उस स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने का काम करता है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन याद आया मतलब समझ आया इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि यहाँ पर इन सब चीज़ों से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाने का भी काम करती है यानी कि जो भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं तो इनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर कि इससे रिलेटेड नीतियाँ भी बनाएगी ये एक गवर्निंग बॉडी है इंडिया की रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर इंश्योर करेगी कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी कि नेशनल में जो नेशनल लेवल पर एक तरीके से हमारी कंट्री का भी जो चीज़ें हैं उसको इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ में हम लोग स्टैंडर्डाइज करेंगे यानी कि आप लोगों को पता होगा जब भी कोई भी देश कोई कानून बनाता है तो वो ये भी ध्यान रखता है कि यूएन के क्या कानून है इसको लेकर यूनाइटेड नेशन के क्योंकि यूएन के कानून के साथ में अलाइन कर कर हम लोग काम करते हैं इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब यूएन का झंडा फहराया जाता है तो सारे झंडे जो है यूएन के झंडे से थोड़ा सा नीचे आप लोगों को देखने को मिलते हैं यूएन का झंडा सबसे ऊपर फैलाया जाता है क्योंकि ये दुनिया में अगर बात करें यहां पर शांति स्वभाव बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है तो इंटरनेशनल लेवल पर जो स्टैंडर्ड होंगे वो स्टैंडर्ड अगर हम लोग फॉलो करना स्टार्ट करेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा इसका फ़ायदा सीधा सीधा ये होगा कि कल को, को कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में बन रहा है कोई भी सर्विस हमारे देश में दी जा रही है वो सर्विसेज हम लोग दूसरों तक पहुंचाएंगे तो वो उसको एक्सेप्ट करने में उनको आसानी रहेगी क्योंकि उसका भी एक स्टैंडर्ड है जो कि इंटरनेशनल लेवल के साथ में मैच कर रहे हैं तो इसमें हम लोग काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं तो है ना इंपॉर्टेंट एक तरीके से न्यूज़ हमारे लिए खासकर हमारा देश यहाँ पर ये बन गया है तो कॉन्ग्रेजुलेसन्स टू ऑल ऑफ यू ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं हमारे देश का और मान बढ़ाती हैं दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार टाइम टू टाइम आप लोगों को न्यूज़ में देखने को मिलता है और यहाँ पर जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में आएगी जिसको बोलते हैं सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम सुनकर ही आप लोगों को ये याद आता है कि हमारे देश में जो भी स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करती है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है रेगुलेटरी बॉडी मतलब जो भी काम धंधा चल रहा है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में उसको ऊपर से देखना कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है पर लेकिन आप लोगों को पता है कि बदतमीज लोग जो हैं वो बदतमीजी की प्रकाष्ठा पार करते रहते हैं और गड़बड़ी करते रहते हैं तो उन्हीं के ऊपर नजर रखने के लिए बॉडी रहती है पर फिर भी गड़बड़ी चलती रहती है ऐसी ही एक गड़बड़ी है इन ट्रेडिंग नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ अंदर की बात जो है उसका फायदा उठाया जा रहा है मतलब के लिए थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को समझाता हूं अगर आज की डेट में आप लोगों को पता है कि एक पर्टिकुलर आप लोग मिनिस्ट्री के अंडर में हो या आप लोग नहीं मतलब आप लोग कोई जानने वाला कोई डिपार्टमेंट के अंदर में है किसके अंदर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो एक तरीके से हमारे देश के अंदर में जो मिनिस्ट्री है उसमें आप लोगों का कोई जानने वाला आदमी है वो जानने वाले आदमी ने ये बता लगा के आप लोगों को बताया कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक हाईवे निकलने वाला है आज से लगभग सात या आठ महीने बाद उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो प्लानिंग कर रही है जैसे ही यहाँ पर ये बात आप लोगों को पता चली जब तक मार्केट में बात नहीं आई है अब तक ना किसी न्यूज़पेपर में आई ना गवर्नमेंट ने पब्लिक किया पर आप लोगों को पता चल गई आप लोगों ने उस हाईवे के आसपास में कई बिघे जमीन जो है वो लेकर डाल दी उस टाइम पर इस ज़मीन का भाव जो है वो ऐसा ही होगा पाँच सात आठ दस एक तरीके से लाख रुपए बीघा इस पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए पर लेकिन जैसे ही हाईवे पास हो गया तुरंत इसका भाव जो है वो ट्रिपल टाइम या चार गुना हो गया तो यानी कि जो लोग पैसे को डबल करने में दस दस साल बीस बीस साल लगाते हैं आप लोगों ने वो आठ दस महीने में पैसा जो है वो डबल कर डाला क्या हुआ ये ये हो गया कि अंदर की बात आप लोगों को पता चली और आप लोगों ने इन्वेस्ट कर डाला और इसकी वजह से आप लोगों की लाइफ हो गई झेंगाला हुआ कि नहीं हुआ ये होती है इनसाइडर जो बात उसका पता करना और इसकी वजह से कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है चलिए यहां तो ये उदाहरण आप लोगों का सेट बैठ गया अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सेबी के द्वारा ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया और यहाँ पर क्या दिक्कतें होती है अगर यहां पर बात करें सेबी के बारे में तो उसने रिसेंटली अभी कुछ चीजों में चेंज किया है यानी कि अमेंडमेंट किया है ताकि जो भी बाई या फिर सेल किए जा रहे हैं म्यूचुअल फंड यूनिट इन ट्रेडिंग रूल के तहत में उसको टैकल किया जाएगा मतलब सेबी ने कैटेगराइज किया है कि जो फ्रंट रनर होते हैं ऐसा के जो आगे दौड़ने वाले एक कैटेगराइज किया गया कि फ्रंट रनिंग ये एक फॉर्म ऑफ मार्केट मैनुपलेन होता है जिसमें इन ट्रेडिंग के तहत जो जिनके पास में फंड वगैरह हो होता है तो एक तरीके से वो काफी फायदा उठाते हैं तो एक तरीके से इन ट्रेडिंग और पिनलाइज किया जाएगा इस तरीके के जो फंड हाउसेज हैं जो कि ऐसी एक्टिविटी करते हुए नजर आते हैं क्या करते हैं ये फ्रंट रनर अगर आखिर क्यों इनको पनिश करने के बेसिकली मोड में आ गई है से ये क्या करते हैं जैसे इनको पता चलता है कि यहां पर सड़क बनने वाली है तो एडवांस में बहुत सारे शेयर ये परचेज करके बैठ जाते हैं जैसे कि पर जमीन परचेज कर ली ऐसे ही अगर कोई मार्केट में कोई भी ऐसा कुछ ऐसा पब्लिकली आने वाला है तो ये क्या करेंगे ये दुनिया भर का पैसा लगा डालेंगे ये कौन होते हैं डीलर होते हैं ट्रेडर होते हैं या फिर फंड मैनेजर होते हैं जिनके पास में अच्छा खासा फंड आप लोगों को देखने को मिलेगा इन साइडर ट्रेडिंग जो है वो एक प्रैक्टिस होती है जिसमें परचेजिंग या फिर सेलिंग की जाती है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी की जब तक की पब्लिक में इंफॉर्मेशन नहीं आई उससे पहले यहां पर दाव मार के निकल जाते हैं तो इसकी वजह से जो जेनविन लोग बैठे हुए हैं जिनको ऑलरेडी इसके बारे में वेट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा यार हमारे भी कुछ फायदा होगा हम भी कुछ खरीदेंगे हम भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे जब तक मार्केट में चीजें आती है तब तक काफी कुछ चीजें खत्म हो चुकी होती हैं और जो बची हुई होती हैं उनका प्राइस जो होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चाहने वाले ज्यादा हो गए और माल जो है वह है मार्केट में कम इसकी वजह से काफी एक तरीके से शो टाइम के लिए एक बूम टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है पर लेकिन जैसे ही जो खरीद के बैठे हैं वो अपना माल मार्केट में उतारने स्टार्ट करेंगे तुरंत जो है फिर प्राइस नीचे भी जाता हुआ नजर आएगा तो इसलिए कई सारी यहां पर उल्टी सीधी हरकतें होती हैं आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे नहीं कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि, कि किसी एरिया में प्याज का भाव काफी ज्यादा बढ़ गया जो प्याज होते हैं जिसको गंठे बोलते हैं ठीक है तो प्याज को मतलब गंठे बोलते हैं हमारे साइड में लोकल भाषा में तो जो प्याज होती है जो गंठे होते हैं इनको कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में प्राइस बड़ा बढ़ता है टमाटर देख लो यार इसमें क्या होता है इसकी दिक्कत किसकी वजह से होती है उसको गोदाम में भर के रख दिया और मार्केट में उतार ही नहीं रहे जब मार्केट में कमी हो गई तब उसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो गया तब थोड़ा थोड़ा निकालना स्टार्ट किया ऑयल बेचने वाली कंपनी भी तो सेम करती हैं वो सारी मिलकर उन्होंने एक ओपैक ग्रुप बना रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री तो ये जो ओपैक ग्रुप है ये इसी काम को करते हैं कि जब मार्केट में तेल का भाव इनको बढ़ाना होता है तो मार्केट में प्रोडक्ट की कमी कर देते हैं यानी कि तेल प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं जैसे इनको लगता है कि हाँ ये भाव अच्छा है फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और उसको मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं तो ये ऐसी प्रैक्टिस आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है तो आई होप कि कॉन्सेप्ट की, की क्लैरिटी आप लोगों के माइंड में बिल्कुल हो गई होगी और कोई डाउट हो तो बताना और ये ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि कई बार योग समझ में नहीं आते हैं पर लेकिन एक बार आप लोग को बेसिक चीज़ समझ में आ गई तो फिर तो कोई मतलब टेंशन ही नहीं है फिर तो मजे है जिंदगी के है कि नहीं खुश रहा करो चीजें पढ़ते रहा करो सीखते रहा करो ठीक है क्योंकि जिंदगी में नए चैलेंज लेने से नहीं डरना है डरोगे तो फिर आप लोगों को दिक्कतें नजर आएंगी हर जगह तो इसलिए हैप्पी रहना सीखो यार खुश रहोगे तो उस काम को करने में मजा आएगा और आप लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी ओके ये कैसी न्यूज है जो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कई बार आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज कर देते हैं यार मैं ना बहुत मैं ना बहुत बेकार हूँ मेरे से ना ये काम हो ही नहीं पाता है हम ना बिल्कुल भी ढंग से अपने शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लग जाओ ऐसे ही यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी मंडे में पब्लिक डोमेन में आकर यहां पर बोल दिया साफ साफ कि कोलोजियम मीटिंग जो है वो फेल हो गई यानी एक तरीके से की जो मीटिंग है वो यहां पर नहीं कंप्लीट हो पाई इसमें यहां पर कई सारे जजों को लगभग चार जजों को अपॉइंटमेंट करना था पर लेकिन यहां पर इसको कंप्लीट नहीं किया गया तो इसके बारे में यहां पर कुछ बेसिक डिटेल में मैं आप लोगों से बातें डिस्कस करूंगा जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पब्लिकली डोमेन में आकर बोल देना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है बाकी अगर बात करें कॉलेजियम सिस्टम के बारे में तो यहाँ तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर बात की जा रही है थ्री जज केस के बारे में 1981 से लेकर 1998 तक देखने को मिली इसमें कैसे अपॉइंटमेंट की जानी है चार जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जब अपॉइंटमेंट करने की बात आती है पर जो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए क्योंकि वहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ध्यान से एक एक पॉइंट आप लोगों को सुन के चल रहे और अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए एग्जाम में तो आप लोग उसको फिर नहीं छोड़ पाओगे एक तरीके से अच्छे से कर पाओगे ये पूरा सुनने के बाद में क्योंकि दो टॉपिक पैरल में डिस्कस करूंगा मैं ठीक है अब ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं थोड़ा सा इसको ध्यान से सुन लीजिएगा कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा हमारे संविधान के अंदर ओरिजिनली क्या प्रोविजन रखे गए हैं कि हम लोग जज को कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे इसके बारे में क्या बातें बेसिकली संविधान के अंदर बोली जाती है तो दो इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो कई बार पूछे गए आर्टिकल एक सौ चौबीस और आर्टिकल 217 ये हमेशा ये बताते हैं कि कैसे आप लोगों को जजों को अपॉइंटमेंट करना है तो यहां पर क्या बताते हैं कि जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जज को अपॉइंट करेगा कैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेगा कि यार बता भाई इनको अपॉइंटमेंट करना है नहीं करना है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बताएंगे कि हाँ भाई साहब ऐसे कर लो अगर कर सकते हो पर लेकिन इंपोर्टेंट बात क्या है ये वर्ड सुनिएगा नो यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला कि यार इनको अपॉइंट कर दो प्रेजिडेंट करें नहीं पसंद आया ठीक है

तो ये जो है काफी ज्यादा जजों को खल रही थी बात जज बोल रहे हैं यार ये है, तो हमारी इज्जत ही नहीं करने जब चाहे जिसको अपॉइंटमेंट कर देते हैं अपने हिसाब से अपने आदमी को बैठाते रहते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेजे यहां पर हो रही थी तो इसके चलते यहां पर लगने लगा कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो यहां पर एक केस आयान थ्री में तो कोलेजियम सिस्टम जो था उसका बेसिकली एक नींव रखी गई अब बोला यह गया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर में अगर किसी भी जज को अपॉइंटमेंट किया जाएगा तो भाई साहब एक कोलेजियम सिस्टम नाम की चीज आएगी अब उस कोलेजियम सिस्टम में क्या किया गया बोला तीन मेंबर उसके अंदर होंगे तीन मेंबर में कौन होंगे एक तो होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दो होंगे सीनियर मोस्ट जज अब यहां पर अगर अपॉइंट करना है किसी को तो सलाह जो है यहां पर अगर जो दी जाएगी वो यहां पर ये देगा प्रेसिडेंट को और ये जो कोलिजियम की सलाह होगी ना ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी अब प्रेसिडेंट अपने हिसाब से काम नहीं करेगा तो यहां से क्या हुआ ये पूरा जजेस का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम था कोलिजियम ने अपने हाथ में ले लिया कि अब जो हम बताएंगे तुम वो करोगे ना कि तुम वो करोगे जो तुम चाहोगे तो ये बातें यहां पर होगी तो यहां पर ये हुआ दो जज का सिस्टम आ गया यहां पर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो तीन मेंबर का सजेशन यहां पर लेंगे ये मुद्दा चलने लगा फिर आगे चल के लगा यार ये अभी दो कम है यहां पर और दो ऐड करो इसके अंदर में तो फिर 1998 में क्या किया अब इसको पांच मेंबर का बना दिया अब टोटल पांच मेंबर हो चुके हैं यानी कि चार तो जज हो चुके हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो चुके हैं ये पांच मेंबर बेसिकली सलाह देते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है तो यहां से एक पूरा स्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया तो कंपोजिशन मैंने बता दी पांच लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे वीटो पावर गवर्नमेंट जो है उसके पास में क्या अब यहां पर पावर रह गई इसको लेकर गवर्नमेंट बस रिटर्न कर सकते है यहां पर कि हाँ भाई साहब आप लोगों को अगर इनको अपॉइंट नहीं करना मतलब मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इस चार जज ने भेजा कि यार इनको अपॉइंट करने अब गवर्नमेंट को लगा यार ये अपॉइंट करने लायक नहीं है गवर्नमेंट ने इसको उल्टा भेज दिया ठीक है अगर फिर से यहां पर कोलिजियम ने उसी को नाम दे दिया नहीं हमको तो यही अपॉइंट करने हैं अब गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है कि वो कुछ बोल सकेंगे यानी कि मतलब क्या हो गया मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है आप लोग एक बार रिटर्न कर सकते हैं कि पसंद नहीं आई बातों पर अगर फिर से उन्होंने उन्हीं के नाम आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए फिर आप लोगों के हाथ में कोई पावर नहीं है फिर तो आप लोगों को घुटनों के बल चलकर ही आना पड़ेगा कि हाँ भाई इन्हीं को अपॉइंट करते हैं तो ये मुद्दा यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो इसके चलते कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि कोलिजियम सिस्टम के अंदर करते क्या हो यह बता तो दिया करो भाई साहब उसके अंदर खिचड़ी क्या बन रही है तुम ये बता ही नहीं रहे हो और गवर्नमेंट को भी कई बार दिक्कत देखने को मिलती है पर गवर्नमेंट ने भी सोल्यूशन निकाल रखा है गवर्नमेंट कह रही है ठीक है आओ आओ तो सही तुम रिकमेंडेशन भेजोगे तो हमारे पास में अगर हमको पसंद नहीं आया तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे हम तुम्हारे आज में मौका थोड़ी ना देंगे हम उसके ऊपर बैठ जाएंगे पोथी मारकर यानी कि कोई अगर रिकमेंडेशन कोलेजियम सिस्टम ने दे दी तो गवर्नमेंट हरकत क्या करती है दो महीने चार महीने मतलब दो दो साल तक उनके ऊपर बैठी रहती है रिटर्न ही नहीं करती है रिटर्न करेंगे तभी आप लोग आगे बढ़ोगे ना हमने रिटर्न ही नहीं करने अब बढ़ लो कैसे बढ़ोगे आगे तो ये इस तरीके की जो मजे लेती है गवर्नमेंट कई बार कोलेजियम सिस्टम के साथ में इसके चलते भी दिक्कत देखने को मिल रही थी तो बोला यह गया यार ये ना दोनों चूहे बिल्ली वाली जो रेस चल रही है ना ये ये इसको खत्म करते हैं ठीक है चूहे बुल्ले रेस को खत्म करके हम लोग एनजेसी बनाते हैं इसको बोला गया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी कि जुडिशियरी के अंदर एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा उसका कमीशन यहां पर इनके द्वारा लाया गया है तो इसके चलते हमारे संविधान में संशोधन किया गया इसको निन्यानवेवा संशोधन बोला गया दो में यह संशोधन लाया गया ठीक है जजों को अपॉइंटमेंट कैसे करना है तो ये जो संशोधन लाया गया इसमें क्या किया गया दोनों के हाथ में पावर दे दी एनजेसी एक्ट जो था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया और उसके चलते फिर यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम जो था वो रिप्लेस हो गया जिसको कोलेजियम बोलते थे कि अब सी काम करेगा तो यहां पर निन्यानवे अमेंडमेंट किया गया इसमें पावर दे दी कि ठीक है अब इसको फोर्स में लेकर आते हैं और थर्टीन ऑफ अप्रैल को इसको बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया कि हाँ इससे अब काम करेंगे यहां पर तो इसके चलते क्या हो गया अब यहां पर काम ऐसा चलने लगा कि इसमें क्या रहेंगे इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे और दो सीनियर मोस्ट जज रहेंगे तो मतलब

जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा केसवानंद भारती केस उसने बोला बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं वो केस आया था 1973 में ठीक है उसको नाम से याद रखिएगा इसको 1973 में हमारी कंट्री में मैंने आप लोग कई बार बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था तो उससे याद रखना इसको टाइगर के साथ में कनेक्ट कर ये केस भी ऐसे ही था टाइगर से कम नहीं है ये ठीक है इसने बेसिकली जब घुमाया भाई साहब मतलब ये केस देख के ना मेरा मजा आ गया देखा पता क्या क्या बोला मैं आप लोगों को एक मिनट एक स्लाइड खोलता हूं तभी आप लोग समझ पाएंगे एक सेकंड रुकना इनके द्वारा बड़ा ही माइंड ब्लोइंग काम किया गया इस केस में 1973 में जो केस आया पर इनके द्वारा बोला गया वैसे तो हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है वो वो है 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 उसके में फुल पावर है वो जो कर सकती है, ठीक है? मतलब जहां से चाहे संविधान को वो अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर, सकती है तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर तो दे दी यहां पर जुडिशरी को पर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था जुडिशरी को बोलो सॉरी जो पार्लियामेंट को ठीक है तो पार्लियामेंट को पावर दे दी पर यह बोल दिया कि आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका हनन नहीं करेंगे ठीक है तो पार्लियामेंट बोली कि ठीक है यार, हमको तो पार मिल गई बहुत सारी हम तो अब बेसिक स्ट्रक्चर का हनन नहीं करेंगे पर लेकिन बनाते रहेंगे तो पार्लियामेंट को क्वेश्चन आया पार्लियामेंट सो रही थी एक दिन पार्लियामेंट उठी तो पार्लियामेंट ने बोला सुप्रीम कोर्ट को जाकर यार ये तो बताओ पर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि हम लोग किस दायरे में जाकर हम लोग बेसिकली अमेंड कर सकते हैं तो जब पार्लियामेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास में और पार्लियामेंट ने पूछा तो उसका मुद्दा यहाँ पर हम अपने बेसिक क्या है, कितना हम, कितना तुमको, हमको पावर देना है और कितना पावर नहीं देना है ये मुद्दा हमारे हाथ में रहेगा फिर तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि इनडायरेक्ट वे में दूसरी साइड से जाकर कान पकड़ लिया कि ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम तुमको तो ये केस इसीलिए बहुत फेमस है केशवानंद भारती केस इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बना रखा है के अंदर देखिएगा आप लोगों को सुन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे चक्स खुल जाएंगे आप लोगों ठीक है अभी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया यहां से ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं अगर आप लोगों ने पहले लेक्चर सुन रखे तो, तो आप धरले से ऐसे आंसर दोगे क्या था यहां पर बोला गया था बेसिकली कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है अगर बात करें ये यहां पर आप लोगों को मैंने याद होगा पहले भी कोलिजन सिस्टम पढ़ाया तो ये लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखाई थी ये लिस्ट दिखाने का मतलब यहां पर यही था ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों के बने तो उनका सोल्यूशन आप लोग निकाल सको ठीक है तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया लेक्चर देख लेना सारे क्वेश्चन मैक्सिम जो आएंगे बाहर नहीं आएंगे यार करंट अफेयर को तो ऐसा कर दूंगा ना करंट अफेयर और पॉलिटी तो आप लोग एक बार को बोल सकते हो कि मैं हूं ना ठीक है उस लेवल पर आप लोगों को लाख रख दूंगा पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा रिविजन करते रहेगा स्टेटिक्वर्स जो बैकग्राउंड में पढ़ाऊंगा ना जाकर उसको थोड़ा सा कवर करते रहेगा मेरे साथ में और रेगुलर लेक्चर सुनते रहेगा आप लोगों को ऐसा कर दूंगा कि आप लोग एग्जाम में जाकर बोलोगे कि हम ही हम है तो हम ही हम है बस ठीक है वो वाला फीलिंग आएगी अभी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन है अलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसकी बेंच जो है वो लखनऊ के अंदर में क्या ये सही है आइए देख लेते हैं अलाहाबाद हाईकोर्ट हाजिरो हो गया ये लखनऊ में है जी हाँ बिल्कुल है क्वेश्चन है आप लोगों के सामने ठीक है दूसरा बोला गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच जो है वो ग्वालियर में है आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश हाजिर हो कहा है प्रदेश भाई बताओ तो सही प्रदेश ग्वालियर में है जी हाँ बिल्कुल है ये रही ग्वालियर में ठीक है ये ग्वालियर में भी है बेंच और इंदौर में भी है ठीक है तो ये आप लोग देखते हैं ओके आगे चलते हैं यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो है बेसिकली वो जोधपुर के अंदर है देख लेते हैं राजस्थान के बारे में अब राजस्थान कहा है भैया राजस्थान 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 अरे कहा गु ये रहो ठीक है तो जोधपुर में है इसकी बेंच जी हाँ बिल्कुल है राजस्थान के अंदर तो ये भी होगी जोधपुर में ठीक है तो ये भी हो गया अब यहां पर बात की जा रही है गुवाहाटी गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोई बेंच नहीं है ये बोला गया तो गुवाहाटी कहां पर है आप लोग वो देख लेते हैं बेसिकली गुवाहाटी हाईकोर्ट कहां पर दिखने मिलेगा यह गुवाहाटी हाईकोर्ट

कई सारे लोग यहाँ पर इसको अनप्रडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी बोलते हैं क्योंकि लोग इसको अक्सर प्रोडिक्ट नहीं कर पाते हैं रीजन क्या है क्योंकि एक साल किसी और चीज़ पर फोकस देगा अगले साल किसी और चीज़ पर फोकस देगा यानी कि ये जो भी मार्केट में जो खासकर अगर बात करें जो कोचिंग माफिया जिनको बोला जाता है जो कि बड़ी बड़ी फीस लेकर लोगों को पढ़ाते हैं उनको कई बार यहाँ पर ये धूल चटाता हुआ नज़र आता है यूपीएससी इस तरीके का पैटर्न सेट करता हुआ नजर आता है अभी अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे देश में एक संवैधानिक बॉडी है और जो मेरिट सिस्टम को मेंटेन रखने का काम करती है मेरिट सिस्टम मतलब यानी कि जो पोस्ट है वहां पर एक ऐसा इंसान जाना चाहिए जो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काबिल हो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं और आज से नहीं यहाँ पर अगर अभी आप लोग बात करते हैं हमारे देश में जो सिविल सर्विसेज का पैटर्न देखने को मिल रहा है तो आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ ये ब्रिटिश टाइम से चीज़ें स्टार्ट की गई पर ऐसा नहीं है आप लोग मोरियन एम्पायर में मुगल एम्पायर में ये सारे टाइम पर एक ऑफिशियर कैटेगरी हुआ करती थी जो चीज़ों को मैनेज करने का काम करती थी वहीं से इंस्पायर होकर हमारे देश में यू जो है वो बॉडी बनाई गई और ये जो यू है इसको पार्ट किसके अंदर रखा गया पार्ट फोरटीन के अंदर रखा गया हमारे संविधान के अंदर में तो यानी कि पार्ट फोर्टीन के अंदर में रखा हुआ है यूपीएससी जिसको यूनियन जो आप लोगों को जिसको बोलते हैं टाइटल है जे सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट ये टाइटल है इसका मैं इसके बारे में क्यों आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं मैं इसके बारे में इसलिए आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं कि इसके अंदर अभी एक अपॉइंटमेंट किया गया है इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में तो ये आप लोग याद रखेगा एक आई ऑफिसर फॉर्मर आई ऑफिसर जिनका नाम प्रीति सुधान उनको अपॉइंट किया गया यूपीएससी के अंदर एज ए मेंबर के तौर पर यूपीएससी की थोड़ी सी हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे ना जिससे कई बार क्वेश्चन बनते हैं जो प्रेजेंट टाइम का यूपीएससी आप लोगों को देखने को मिलता है इसका जो इनिशियल फेज था वो 1926 में स्टार्ट हुआ था जब पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से यहां पर चीजें बनाई गई थी ये जो आगे चलकर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया यहां पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसके तहत अगर आप लोग बात करेंगे तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था हमारे देश में नाइनटीन का जिससे चीजें जो हैं वो आगे चली आज़ादी के बाद इसी को हम लोगों ने नाम को चेंज करके यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जिसको आज के डेट में आप लोग यू बोलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पर कि जो ये यू आज की डेट में आप लोग देखते हैं जब अंग्रेजों के टाइम पर जब फेडरल सर्विस कमीशन हुआ करता था वो इतना ख़तरनाक था वो सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन प्रोसीजर माना जाता था इंडियंस के लिए और आज की डेट में आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है अगर आज की डेट में देखोगे एक और इम्पॉर्टेंट बात हमारे संविधान का बहुत बड़ा पोर्सन

ये जो एक्सरसाइज है ये अभी यहां पर 28 से लेकर 30 नवंबर तक यहां पर कंडक्ट कराई गई कहां पर एयरफोर्स स्टेशन आगरा के अंदर में तो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये अगर बात करें आर्टिकल जो कि बात की जा रही है इंटरनेशनल जैगवार डे के बारे में तो जैगवार जो है उसके बारे में आप लोगों को याद रखना है ट्वेंटी ऑफ नवंबर को ये सेलिब्रेट किया गया नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू डेहली के अंदर में ठीक है छोटी सी न्यूज है राजस्थान के गवर्नर जिनका नाम कालराज मिश्रा इनके बारे में आप लोग कुछ बातें याद रखते हैं कालराज मिश्रा साहब के बारे में क्योंकि यहां पर बात करें जो गवर्नर साहब होते हैं उनको एक पावर रहती है संविधान के हिसाब से कि वो किस चीज़ों को किस तरीके से लेकर चल सकते हैं तो इसके बारे में अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करें यहां पर जो गवर्नर के बारे में तो ये एक बिल्कुल ऐसी ही पोस्ट है जिस तरीके से आप लोग बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पर प्रेसिडेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में सेम पोजीशन रखता हुआ आप लोग को गवर्नर नजर आता है ठीक है तो यहाँ पर गवर्नर के बारे में बात की जा रही है तो गवर्नर एक काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि मैनेज करने का काम करता है कई सारी चीजें खासकर अगर बात करें ये एक तरीके से कई बार तो आरोप लगाए जाते हैं गवर्नर के ऊपर कि गवर्नर क्या है ये तोता है किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का पर लेकिन बेसिक चीजें यहां पर यह है कि ये संवैधानिक पोस्ट है संविधानिक पोस्ट है तो संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है जी हाँ पार्ट सिक्स में संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है आर्टिकल 153 से लेके 167 तक जब आप लोग देखोगे तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है और सातवां संविधान में संशोधन किया गया था 1956 में उस टाइम पर भी ये बातें बोली गई कि जो गवर्नर है उसके बारे में ये बोला गया कि गवर्नर जो है एक राज्य का या फिर दो राज्य का एक गवर्नर हो सकता है एज उसकी थर्टी से ऊपर होनी चाहिए और सिटीजन इंडिया होना चाहिए उसके पास में पावर है चार एक तो किसी भी बिल उसको लेकर जाएगी स्टेट असेंबली तो उसको पास कर देगा वो कि ठीक है बहुत बढ़िया क्या बिल लेकर आए हो दूसरा जो मुद्दा रहेगा उसमें क्या करेगा उसको विद होल्ड कर लेगा ठीक है यानी कि एक तरीके से उसको ना सेंड करेगा और ना पास करेगा तीसरा मुद्दा जो रहता है वो उसको रिटर्न कर देगा तो रिटर्न कर दिया उसने यहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल जो कि असेंबली का किसने काल जो पर कालराज मिश्रा साहब के द्वारा चौथा खतरनाक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के लिए उसको रिजर्व करके रख लेता है समझ सकते हैं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए छोटी छोटी न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के चली जाती है ओके मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे ऐसा कुछ होने वाला है और ऐसा यहां पर हो गया टाटा ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया मर्जर ऑफ एयर इंडिया का विस्तारा के साथ में विस्तारा अपनी आप में काफी अच्छा काम कर रही है देश के सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर यह देखने को मिलेगी कि एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर दम तोड़ रही थी उसको टाटा ग्रुप ने खरीद लिया पर लेकिन उसके बाद भी जब से यहां पर खरीदा गया इसकी सर्विस में कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट आ नहीं रहा था फिर ये बोलो कि टाटा ग्रुप जो है इसके ऊपर ज्यादा फोकस दे नहीं पा रहा था तो इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली तो एयर इंडिया जो है वो फिलहाल अभी विस्तारा के साथ में आप लोगों को मर्ज होती हुई नजर आएगी और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इसकी सर्विस भी आप लोगों को इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एक और अच्छी जो एक सर्विस आप लोगों को मिलने वाली है अब आने वाले टाइम पर ठीक है तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये जो लेक्चर है आप लोग कहाँ देख रहे हैं आप लोग ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि YouTube पे से दुनिया भर में से बहुत सारी वीडियो हटाई गई जिनकी संख्या है 1.7 मिलियन यानी कि 17 लाख वीडियो जो है YouTube से हटा दी गई YouTube के द्वारा जुलाई से लेके सितंबर तक का और मैक्सिमम जो वीडियो थी वो इंडिया से थी हालांकि दुनिया में से भी थी जैसे लगभग छह लाख के करीब जो वीडियो हटाई गई वो इंडोनेशिया से हटाई गई अलग अलग कंट्री से यहां पर वीडियो हटाई गई क्यों क्योंकि या तो वो वीडियो जो थी यूट्यूब के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी जो यूट्यूब के द्वारा रूल और रेगुलेशन बनाए गए यानी कि डिस्क्रिप्शन में कुछ और लगा दिया थमनेल पर कुछ और लगा दिया या एक तरीके से किसी और का जो कंटेंट है वो यूज कर लिया तो जैसे इसको रिपोर्ट किया जाता है यूट्यूब जो है उन वीडियो को हटा देता है तो ये आप लोगों को यहां पर, पर प्रोसीजर देखने को मिलेगा ये जो वीडियो हटाई गई है इनमें से कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा हटवाई गई हैं यानी कि गवर्नमेंट को वो वीडियो में कुछ ऐसी पॉलिसीज का जो उल्लंघन कर रही थी जो कि सही नहीं है जैसे आप लोगों को पता होगा कई सारे यूट्यूबर जिनमें से ध्रुव राठी और भी कई सारे यूट्यूबर की वीडियो जो है वो हटाई गई थी उस टाइम पर रीजन क्या था रीजन ये था कि इंडिया का मैप जो है वो गलत शो कर रखा था या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसीज ला रखी है वो गलत देखने को मिला तो बहुत सारे ऐसे रीजन हुए थे जब यहां पर ये यह बहुत सारी वीडियोज हटाई गई तो अभी यहां पर यूट्यूब जो है वो कोशिश कर रहा है कि प्लेटफॉर्म को अच्छा मेंटेन बनाकर रखे ताकि यहां पर सिचुएशन जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे ठीक है तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन पर्सन इन न्यूज में कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पूछ ले जाते हैं कोई किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इलेक्ट होता है वो क्वेश्चन बन जाता है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इससे रिलेटेड यहां पर ये न्यूज है तो पूछा आप लोगों से जा सकता है कि इस पर्टिकुलर जो एसोसिएशन के अभी प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं तो यहां पर ग्रुप मीडिया सीओ जिनका नाम है प्रशांत कुमार वो अभी यहां पर इसके लिए बेसिकली इलेक्ट हुए हैं तो ये अपने ही आप में एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड न्यूज हो सकती है ठीक है इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन जो पीपल ये ऑब्जर्व किया गया ट्वेंटी ऑफ नवंबर और ये काफी ज्यादा न्यूज में भी आ गया क्योंकि आप लोगों को पता है अभी इंडिया और जो अभी इसराइल के बीच में कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा के अंदर हो रहा था इसराइल के एक पर्टिकुलर इंसान थे जो एक पर्टिकुलर डायरेक्टर आप लोग बोल सकते हो उन्होंने कमेंट किया काश्मीर जो फाइल है मूवी के ऊपर बोला कि ये एक एजेंडा है तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई हालांकि इसराइल ने चीजें संभाल ली पर उसी के बाद में यहां पर पैलेस्तीस के लोगों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए डे था तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा स्पीच दी गई और तो उन्होंने बोला कि हम पेलेस्तीन के लोगों के साथ में खड़े हुए हैं तो ये काफी बड़ा ऐसा लगने लगा कि जैसे वो एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई तो मोदी साहब के द्वारा ये बातें बोली गई तो काफी अलग तरीके से इसको देखा गया हालांकि ये एक रेगुलर चीज है जो कि डे आता है तो हम लोग हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं और वैसे भी साल भर हम लोग बहुत सारा पैसा देते हैं तो उसको इसके साथ में कनेक्ट करके नहीं देखा जा सकता पर वो ये कि कॉन्सीडेंट हो गया इसकी वजह से और कॉन्ट्रोवर्सी बन गई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसराइल के लोगों को इग्नोर कर दिया वो बातें निकल कर आई हालांकि दोनों की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी है इसराइल की और इंडिया की ये आप लोगों को बताइए ठीक है यूएन पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ को क्या किया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर में उसको यहां पर डाला जाए यानी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डेंजर में आ चुकी है यानी कि उसके ऊपर खतरा है और उसको हम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी ये ग्रेट बैरियर रीफ जो कि कोरल सी के पास में आप लोगों को यहां पर नजर आएगा और इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई बात करे कोरल वाला एरिया कहां पर है तो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा इससे क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं तो डायरेक्ट मैं बेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है और यूएन के पैनल के द्वारा यह बात बोली गई तो उसमें भी यह न्यूज में बन गई है ठीक है तो बेसिक है पर इंपोर्टेंट है एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी बात करूंगा हवाई आइलैंड के बारे में लोकेशन आप लोग देख लो चाहिए आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओ कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन ये है हवाई आइलैंड अगर इसको आप लोग थोड़ा सा बाहर निकलकर देखेंगे दूर से तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी इधर यूएसए हो गया और इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा हवाई हवाई आप लोगों को पता है पर अगर आप लोग पृथ्वी के ऊपर कुछ लाइन खींचोगे इस तरीके से यहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा इक्वेटर ये देखने को मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोन पूरा का पूरा यूएसए जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है ओनली हवाई आइलैंड ऐसा है यूएसए का जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो इस हवाई आइलैंड पे एक पर्टिकुलर आप लोगों को वोल्केनो देखने को मिलेगा और ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में भी आता है मोस्ट तो नहीं फरा एक्टिव वोल्केनो की कैटेगरी में आप लोग इसको बोल सकते हैं तो इसका नाम है यहां पर मोना लो ठीक है तो मोना लोआव जो है यहां पर लो मोना लोआ बोल सकते हो आप लोग मोना लोआ जो है यहां पर इसको अभी फटते हुए देखा लोगों ने यानी कि चालीस साल बाद यहां पर फर्स्ट टाइम यहां पर ये लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ यानी कि उसको लगा कि दुनिया में देखो हो तो क्या रहा है ठीक है मुझे भी पहचाने लोग मुझे पहचान ही दे रहे हैं आजकल ठीक है मुझको पहचान लो मैं कौन तो मैं डॉन ठीक है तो मैं मैच करने के लिए कई बार एक्टिव वोल कैनो अगर पूछ जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है एक और इंपॉर्टेंट यहां पर लोकेशन के बेस में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है हालांकि दुखद घटना है एक लोकेशन के बारे में बात की जा रही है और ये लोकेशन आप लोगों को इटली में देखने को मिलेगी इटली के अंदर में यहां पर एक आइलैंड है जिसको बोला गया इस्चिया आइलैंड और वहां पर लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हुआ यानी कि मिट्टी खिस, खिस, खिर, खिसरी खिरसी क्या बोलेंगे घिरसी <laughs> खिसकी ठीक <laughs> है वो याद आ गया उन्हें तो कॉकरोच कोरकोच रोज <laughs> मैंने रोज देखा नहीं मैंने कॉकरोच देखा नहीं मैंने कोरकोच देखा <laughs> तो घिसकी खिसरी खिसरी खिसकी <laughs> खिसकी ठीक है हालांकि हंसने वाली न्यूज़ नहीं थी दुखद न्यूज़ है ठीक है पर लेकिन क्या करूँ हंसी आ गई किसी और बात पर वैसे इनकी आत्मा को शांति मिले तो ये आइलैंड आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ की लोकेशन बताई इसी के साथ में यहाँ पर मोना आईलैंड लाओ ये हुआ लोआ और इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया इस्चिया द्वीप यानी कि इस्चिया आइलैंड तो यहां से से भी आप लोगों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कहां पर है पता होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा इसलिए थोड़ा सा तो कम से कम आइडिया होना चाहिए ओके दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे छोटू कौन बनेगा करोड़पति सेशन जिसके अंदर में चार जीएस के क्वेश्चन होंगे एक सी सेट का क्वेश्चन होगा इसके बाद में जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे एक मैप बेस्ड क्वेश्चन क्वेश्चन का बेसिकली लोकेशन रहेगी और फिर हम लोग देखेंगे इंग्लिश पति इंग्लिश पति मतलब जिसमें वो कैबरीज आप लोगों को सिखाई जाएगी जिनको आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं तो वो वाला सेशन देखेंगे अभी ये मत बोल देना सर इंग्लिश पत्नी क्यों नहीं बोला ठीक है इंग्लिश पत्नी भी लिख सकते हो <laughs> ठीक है <laughs> बोलोगे सर आप तो पेट्रियरिकल सोसाइटी वाली थॉट अटेंडेंसी फैला रह रहे हो तो ऐसा कोई भावना नहीं है बस वही है जैसे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बोला जाता है तो वैसे ही शब्द निकल गया मुझसे उसको गलत तरीके से मत लेना ठीक है अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं एक्सट्रीमली सॉरी बोलता हूं पहली बात की जा रही है यहां पर क्वेश्चन के बारे में और बात की जा रही है अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी में जो अभी हम लोग अगर उसका ड्यूरेशन देखने लगे तो सबसे पास वाला ड्यूरेशन कौन सा इनमें से कहा जाता है जो कि हमारे सबसे पास में है जिसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पहला स्टेटमेंट में बोला गया है यहां पर एंथ्रोपोसिन इपोक इपोक का मतलब होता है युग यानी कि एक काल इतना बड़ा ड्यूरेशन नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर ओलिगोसिन इपोक यानी कि ओलिगोसिन युग नेक्स्ट यहां पर बोला गया यहां पर युग यानी कि इपोक नेक्स्ट नेक्स्ट बोला हाँ पर होली। बोला गया गया यहां यहां पर पर होलोसिन तो सही आंसर यहां पर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है कौन यहां पर सही तरीके से इसको एक्सप्लेन करता है आगे बात करते हैं बिम्सटेक के बारे में बिम्सटेक एक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसका पाठ है बताना है पाकिस्तान भूटान इंडिया नेपाल सिंगापुर इसी के साथ में बांग्लादेश वैसे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किया जा चुका है ठीक है तो ये रिपीट हो गया कोई नहीं देखता हूँ अभी भी आप लोग आंसर दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं <laughs> आधे तो अभी भी गलत कर देगी इसको पाकिस्तान भूटान इंडिया नेपाल सिंगापुर भूटान बांग्लादेश इंडिया श्रीलंका इसी के साथ में नेपाल इंडिया नेपाल श्रीलंका सिंगापुर म्यांमार और म्यांमार थाईलैंड इंडिया नेपाल और अफगानिस्तान सही आंसर क्या है आप लोग बताइए ए बी सी एफ डी देखता हूं कौन सही आंसर देता है ऐसा क्वेश्चन अगर इसका भी आंसर आप लोगों ने ना दिया तो आज से ही लेक्चर देखना बंद कर देना ठीक है क्यों बोल रहा हूं सुनना भी अकॉर्डिंग टू स्टेटिक्स यानी कि जो भी डेटा प्रस्तुत किया जाता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यू के द्वारा 2022 में उसने बोला कि दो कंट्री आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाली कंट्री है दुनिया में कौन कौन सी है यूएसए और चाइना चाइना और इंडिया इंडिया और इंडोनेशिया इंडोनेशिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सही आंसर क्या है बता देना सी आंसर हाँ ये ना बात है। आगे चलते हैं एनुअल समिट रिसेंटली अभी कहां पर देखने को मिली ये क्वेश्चन भी आप लोगों को हालांकि पहले ही पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं पर फिर भी आप लोगों का रिविजन हो जाए ताकि याद रखना और ये आप लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया भी था कि इससे पहले आप लोगों को सऊदी अरेबिया में देखने को मिले थे 2020 में याद है 2021 में आप लोग कहाँ देखने को मिली वो आप लोगों को देखने को मिली इटली के अंदर में 2022 में कहां पर देखने को मिली वो आप लोगों को देखने को मिली इनमें से किसी एक में 2023 <laughs>. <laughs> में आप लोग कहां पर देखने को मिलने वाली है वो आप लोगों को देखने वाली है इंडिया के अंदर में 2024 हजार के आप लोगों को कहां पर देखने देखने को मिलने वाली है और 2025 हजार के बताइए देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है दो एंड पच्चीस बताइए ये सी सेट का क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है इसके बाद में आप लोग को आंसर दिखाया जाएगा इससे आगे हम लोग कवर करते हैं यहां पर एक पर्टिकुलर रिवर रिवर कौन सी है यहाँ पर रिवर है यहां पर कोलराडो ठीक है तो ये जो रिवर है ये लगभग दो किलोमीटर लंबी आप लोगों को रिवर देखने को मिलेगी ठीक है ये रिवर है कहां पर तो ये रिवर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर रिवर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में तो इसलिए यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन जाता है ये अपर कोलेराडो लोअर कोलेराडो या कोलेराडो रिवर के नाम से आप लोग यहां पर इसको जानते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आप लोग याद रखेगा अब देखता हूं जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं उनके आंसर किस किसने सही दिए हैं दोस्तों आप लोगों ने कई बार सुना होगा एक शब्द जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि इंसानों के द्वारा की गई हरकतें तो हमारे सबसे पास वाला टाइम भी आप लोगों को यहां पर एंथ्रोपोसिन देखने को मिलेगा उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं तो यहां पर यह टर्म जो डिस्क्राइब करती है तो रिसेंट पीरियड अगर देखा जाए जब से ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो प्लानट अर्थ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया है वो है यहां पर ये पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन ठीक है तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बिम्सटेक के बारे में तो ये तो आप लोगों ने बता ही दिया होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कौन कौन सी कंट्री बिम्सटेक में देखने को मिलती हैं तो यहां पर आप लोगों को काफी डिटेल में डिस्कस किया था इसको जाकर खुद से भी सर्च करना आप लोग ठीक है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्योंकि पढ़ाया था अभी तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ठीक है यहाँ पर तो आसान सी बात है यहाँ पर चाइना और इंडिया है यहाँ पर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर देखने को मिलती है मतलब समझ रहे हो और पॉपुलेशन को आज के डेट में पॉपुलेशन की तरीके से नहीं देखा जाता इसको एक मार्केट की तरीके से देखा जाता है यानी कि ये देखा जाता है कि ये जो लोग हैं इनको कैसे कोई प्रोडक्ट बेचा जाए और इसीलिए यहाँ पर इंडिया और चाइना के साथ में कोई भी कंट्री जो है वो ज़्यादातर एक हद के एक हद से ज़्यादा बदतमीजी नहीं करता है यूएसए और चाइना के बीच में कितनी भी झड़प क्यों ना हो ले पर लेकिन फिर भी उनके बीच का ट्रेड देखना आप लोग एक अच्छे लेवल का ट्रेड देखने को मिलेगा जापान और चाइना एक दूसरे की सकल देखने के लिए तैयार नहीं है पर उनके बीच का ट्रेड आप लोग देखना तो जहाँ ट्रेड की बात आती है फायदे की बात आती है वहाँ पर सारी दुश्मनी जो है वो साइड में हो जाती है फिर बोलते हैं कि चलो छोड़ो, छोड़ो अपना काम पे फोकस करते हैं ठीक है तो ये है बातें जी ट्वेंटी मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों से बात की तो इसमें याद रखेगा सेवनटीन्थ जो जी ट्वेंटी मीटिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिली ये इंडोनेशिया में बाली के अंदर हुई अब यहां पर जो नेक्स्ट जी ट्वेंटी मीटिंग होने वाली है जो कि अट्ठारहवीं होगी याद रखेगा एटीनथ जी ट्वेंटी मीटिंग जो है वो आप लोगों को इंडिया यानी कि हमारे देश में देखने को मिलने वाली है दो के अंदर में ये आप लोगों को देखने को मिलेगी ठीक तो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर तो ये एक तरीके से क्वेश्चन पूछा सकता है बाली में जो जी ट्वेंटी की मीटिंग हुई थी उसकी थीम थी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉगर क्योंकि कोविड कोविडीन से रिकवरी के बारे में यहां पर बात की जा रही थी पर लेकिन अभी जो इंडिया के अंदर में ये G20 की मीटिंग होगी उसके लिए क्या थीम रखी गई है ये आप लोगों को पता होना चाहिए वैसे अभी पूरा साल पड़ा हुआ है पता नहीं कितनी बार न्यूज में आने वाला है पर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है ठीक है क्वेश्चन इसका आंसर पूछा गया तो आंसर आप लोगों को यहां पर डी देखने को मिलेगा यानी कि यह है एटीन थाउजेंड इसको आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन ये हो गया आप लोगों का अब हम लोग बात करेंगे वो के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है बेसिकली ये सेशन है कौन बनेगा इंग्लिस पति ठीक है तो इंग्लिस पति में आप लोगों को पांच शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे ये पांच शब्द जो है आप लोगों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करने इनका यूज करना है इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन करना है तो आप लोग इंग्लिश भी सीखोगे इसी के साथ में आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पर यूज़ होंगे एनडीए सीडीएस एस सी बैंकिंग में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है पहला शब्द है आप लोगों के सामने ये है लीवे तो लीवे होता है एक तरीके से स्वतंत्र स्वतंत्र यानी कि एक तरीके से कोई एक तरीके फ्रीडम देना एक तरीके से कुछ भी इंसान कुछ करना चाहता है तो आसानी से वो कर सके उसके पास में स्कोप रहे इस चीज़ का तो ये देखने को मिलेगा तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर ये आप लोग कई बार इसको देखते हैं शब्द को बिगोट्री इसी के साथ में यहां पर एक्सट्रीमिज्म ये होता है कट्टरपंथी ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर ये इसका शब्द है जो कि आप लोग समझ सकते हैं ये शब्द के किसी के भी ऊपर सेंटेंस फॉर्म फॉर्मेशन कर सकते हैं लीवे फ्रीडम स्कोप बिगोट्री एक्सट्रीमिज्म तो आप लोगों को जो भी सुटेबल लगे पर एक सेंटेंस जरूर बनाना नेक्स्ट वर्ड है यहां पर यह है डेलिटोरी तो इसका मतलब होता है धीमा यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं धीमा ही बोल सकते हैं या फिर स्लो एक्ट बोल सकते हैं वो कहते हैं आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कछुए की चाल पर चलो पर चलते रहो तो कार्य को करने के लिए जो कार्य करने के लिए धीमी गति जब आप लोग उसको देख सकते हैं ठीक है हालांकि इतना भी धीमा नहीं होना है कि सब बहुत ही आगे निकल जाए और आप लोग जो है वहां पर ना कि रेस में दौड़ रहे हैं बस हम तो आराम से ही दौड़ेंगे हम ऐसे ही चलना है हम लोगों को तो वो नहीं होना चाहिए अपोजिट फास्ट क्विक ये सब आप लोगों को चाहिए देखने को मिलेगी तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसकी आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार यूज होता हुआ न्यूज़पेपर मैगजीन्स के अंदर में इसको याद रखने के लिए आप लोग ये भी याद रखते हैं वैसे किसी के साथ में अगर दिल लगा लिया तो स्टडी जो है वो आप लोगों की धीमी चलने लगेगी ठीक है और फिर आप लोग क्या बन जाओगे बदमाश छोरो बदमाश छोरो छोरो है रेप्रोबेट ठीक है तो रेप्रोगेट मतलब बदमाश ठीक है अनप्रिंसिपल्ड यानी कि जो कि अपनी जिंदगी में बदतमीजी की प्रकाष्ठा पार करता हुआ घूमता है किसी भी सोसाइटी के रूल और रेगुलेशन को ढंग से नहीं लेता है अपनी ही दुनियादारी में रहता है वो आप लोग को रेप्रोगेट आप लोग बोल सकते हैं बोल सकते हैं यू आर वेरी रेप्रोगेट पर्सन यार तुम्हारी वैसे सब कुछ यहाँ पर एक तरीके से उथल पुथल हो चुका है ठीक है तो ये एक अच्छा शब्द है जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हो बड़ी फ्रिक्वेंटली बिना किसी टेंशन के इसी के साथ में मिला हुआ शब्द है यहां पर यह है हुविंग यानी कि जो रेप्रोबेट होगा वो हडविंग भी होगा यानी कि आंखों में धूल झोंकने वाला बदमाश छोरा ऐसे आप लोग देखते हैं धोखा देना छल कपट करना किसी के साथ में किसी का बेवकूफ बनाना तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी नॉर्मली इन दोनों का अच्छा कनेक्शन आप लोग यहां पर कर सकते हैं दोनों शब्द को एक सेंटेंस में भी आप लोग यूज कर सकते हैं ये सिद्ध हो चुका है कि रेप्रोबेट और ये हुडविंग जो है ये सिद्ध हो चुका है कि यहां दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट है इसको बोलते हैं एक्सियोमेटिक यानी कि सिद्ध होना स्पष्ट होना क्लियर होना निर्विवादित होना जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ ये भाई साहब प्रूवन फैक्ट है ठीक है ये सब प्रूवन फैक्ट है कि आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से लेकर चल रहे हो और आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है ठीक है अगर इसी पेस में आप लोग पढ़ाई करते रहे देखो तो यार कई सारे बच्चे ना कई दिन मैं मैसेज देखता हूँ मेल देखता हूँ तो उसमें ये कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा जिंदगी जीने में टेंशन हो रही है आप लोग खुद सोचो एक मिनट के लिए ये कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना जो पहली बार हो रही है ये पहले भी हुई होगी कभी और ये आगे भी होने वाली है तो आप लोगों को अपने मूड को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने नेचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये आप लोगों के साथ में कैसे खेलता है उसके ऊपर कुछ अपने रूल बना लो कि अगर ऐसा फील होगा तो मैं ये करूँगा और ऐसा फील होगा तो मैं ये करूँगा जैसे कि जब भी मुझे लगता है कि मेरा अच्छा मूड नहीं है तो मैं अक्सर क्या करता हूँ आप लोगों के इंस्टाग्राम पर मैसेज पढ़ने लग जाता हूँ टेल आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में कई बार आप लोगों के जो कमेंट पढ़ने लग जाता हूँ तो मेरा मूड इससे अपलिफ्ट होता है ये मेरा तरीका है मूड का अपलिफ्ट करने का या फिर एक और तरीका है मैं मूवी देखना हूँ मूवी भी ऐसे नहीं कोई रैंडमाइज मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये मूवी जिस दिन मुझे टाइम लगेगा उस दिन देखूँगा और जब भी मुझे टाइम लगता है वो मूवी मैं देख लेता हूँ और या फिर सबसे अच्छा तरीका इससे भी बेस्ट तरीका अगर बोले जब भी लगे कि मूड बहुत खराब है तो माइंड को रिलैक्स दे लेना चाहिए अपना थोड़ा सा सो लो एक आधा घंटा सो लो उससे फिर आप लोग रिलैक्स होकर उठ जाओगे तो यू शुड नो हाउ टू डू हाउ टू डील विद योर नेचर अगर ये चीज़ें आप लोग नहीं समझोगे कि अपने नेचर को कैसे आप लोगों को संभालना है तो ये डेली होगा और डेली आप लोग फ्रस्ट्रेट होगे ये आप लोगों को जानना पड़ेगा यहाँ पर आई होप कि ये बात आप लोगों के माइंड में क्लियर हो रही होगी और इसको आप लोग संभालने की कोशिश भी करोगे है कि नहीं फिर भी कोई डाउट हो तो बताना उसको दूर किया जाएगा ओके तो दोस्तों कोनो समस्या कोनो परेशानी नहीं होनी चाहिए आई होप कि आप लोगों ने सारी चीजें अच्छे से इन्जॉय की होगी और यहाँ पर इनके आंसर जो है मैंने पिन कर दिए कल वाली वीडियो के नीचे देखना कितने बेहतरीन तरीके से आंसर दिए गए हैं आप लोग भी अपने आंसर दे सकते हैं और काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यार आप लोग बेसिकली इनको जितना उन्हें कहते जितना सैल्यूट करें उतना खावाए ठीक है तो वल्लभ भाई पटेल जी जिनकी वजह से आज के डेट में हम लोग एक जुट रह रहे हैं तो आयरन मैन ऑफ इंडिया बिस्मार्क भी इनको बोला जाता है सरदार सरदार की उपाधि किसने दी थी इनको पता है आप लोगों को बताइए जरा 555 से भी ज्यादा प्रिंसली जो स्टेट थे उनको डिजोल्व करके एक जगह बनाया गया भाई साहब अपने आप में एक तगड़ा काम था ठीक है पर लेकिन तगड़ा इंसान था सामने ठीक है <laughs> बना के ले गए तो अब भी अपना टारगेट अचीव कर सकते यार अच्छे से चीज़ों को फॉलो करके तो जिंदगी में अप डाउन आते रहते हैं यार वो हर एक इंसान की लाइफ में होंगे अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब पत्थर की जिंदगी जीनी है क्या मशीन बनना है क्या ये ऐसे ही बस हाँ ठीक है एक जगह पड़े हुए उनको उनको डील करना सीखो ना यार अगर चीज़ें खराब हो रही हैं तो सही करना सीखो ना उनको कितनी दिक्कत आ रही है उससे बाहर निकलना सीखो ना दिक्कत आएंगी दुनिया भर के आएंगी मैं कल बता दूँ इतना मतलब इतना बिजी दिन रहा इतनी सारी चीज़ें रहती है ना जिंदगी में मैं आप लोगों को वीडियो में जब दिखता हूँ ना ऐसा लगता है कितना खुश इंसान है रियलिटी नहीं होता है भाई बहुत सारी दिक्कतें होती हैं पर लेकिन जब काम करता हूँ तो इन्जॉय करता हूँ फिर उसको आप भी अपनी पढ़ाई इन्जॉय करना स्टार्ट करो बाकी जब चल रहा है फेंक दो उठा के साले को दलिया में दरिया में फेंको उसको उठा के साला वो वाला साला नहीं साला शादी वाला साला ठीक है <laughs> जिंदगी में खुश रहना सीखो यार छोटी सी जिंदगी पता नहीं क्या पछड़े पकड़े बैठे हो ठीक है इंजॉय करो लाइफ को और वीडियो को भी लाइक करना है ठीक है लाइक पर तभी करना है अगर कर पसंद आ रही है और दूसरों को शेयर करना है क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती है करते हो कि नहीं करते हो फालतू की चीज़ें तो शेयर करते रहते हो ये मत किया करो है क्या चल रहा है अच्छे से जान रखो और मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हो यहाँ पर और जो स्टार्टिंग में वीडियो लगी थी आपने ही शेयर की थी भेज सकते हो मुझे यहाँ पर या फिर इंस्टाग्राम पर कोई भी ऐसी वीडियो होती है तो ठीक है इन्जॉय करो ध्यान रखो अच्छे से और खुश करो यार छुट्टी से जिंदगी है जी लो चलो अपना जिंदगी को एन्जॉय करके ठीक है तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू नेक्स्ट लेक्चर में दो तब तक के लिए जय हिंद और हाँ जो भी पेपर दे रहे हैं अच्छे से मन लगा देते रहो ओके